हेलो एवरीवन वेलकम टू माय क्लास तो आज हम बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है वत्स और मैं आप सभी को यहां पर जितने भी लॉ एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती है उनकी जो लॉज हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर मैं आपको तैयारी कराती हूँ तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में आता है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इस पूरे सेशन में हम लोग वन गो के अंदर पूरा आई पढ़ेंगे क्या इसके इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स हैं आई पी लॉज होते क्या हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट सो हेलो एवरीबॉडी हेलो एवरीबॉडी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो गाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना हमने सुना था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेल ऑफ गुड एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स सब चीजें हमने पढ़ी थी बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में तो हमें पता ही नहीं कि क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब अगर हम बात करें तो नॉर्मल जब हम सेल ऑफ गुड पढ़ते थे तो गुड्स वी कैन टच देम वी कैन सी देम वी कैन ट्रांसफर देम वी कैन डिलीवर देम एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो वो भी घर है भाई छू सकते हैं देख सकते हैं सामने दिख रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टी को परचेस करें ये वाले फ्लैट को परचेज करें बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है ये नहीं पता तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग सारी चीजें जानेंगे रिलेटिंग टू दी आई पी आर लॉज चले सो एक बार मुझे बता दीजिए एम आई ऑडिबल विजिबल टू यू गाइज फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं एम आई audible, visible? जब तक मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलती हूँ आपको सो so, अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में तो ये देखिए वो ये राइट्स होते हैं जैसे कि आपने कभी वोट सुना अरे यार यूट्यूब पर कॉपी राइट अटैक आ गया है कॉपी राइट इन्फ्रेंच कर दिया है कॉपी राइट वॉयलेशन आ गया है एंड पेटेंट पेटेंट क्या होता है आप लोग ब्रांड्स यूज़ करते हैं और आप लोग देखते हैं कि उसके ऊपर उसका लोगो लगा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे इसका लोगो लगा हुआ है राइट right, हमारी इस टी शर्ट पर यहाँ पर एक ये लोगो लगा हुआ है और बात कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन है फ़ोन के पीछे लोगो होता है ये एक बिस्किट का पैकेट है यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा बिस्किट का पैकेट है है ना ये लोगो होता है तो इस लोगों से हम बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं कि ये कौन सा ब्रांड है कितने रुपए का है कलर से जान लेते हैं ओके लेट्स सी, ये क्या चीज़ है फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया है ये गाने के लिरिसिस्ट ये हैं वो भी हम लोग देखते हैं समटाइम्स वी टॉक अबाउट डिज़ाइंस मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइन है ये सभ्य साची का डिजाइन है इस डिज़ाइन को कॉपी किया है ड्यूप किया गया है, है ना ये भी हम जानते हैं तो बट इनकी सुरक्षा कौन करता है क्या ये भी एक के हो सकते हैं जैसे मान लो ये फ्लैट मैंने खरीदा ये प्रॉपर्टी मेरी है ये गाड़ी मेरी है तो इसी तरीके से अगर मैंने कोई डिजाइन बना दिया कोई पोएम लिख दी कोई गाना लिख दिया कोई पिक्चर बना दी क्या उसके ऊपर भी केवल मेरे राइट्स होते हैं तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में डिजाइन राइट डेटा बेस राइट इन्वेंशन राइट्स किसी ने कोई एप्लीकेशन बना दी कोई सॉफ्टवेयर बना दिया उसके राइट्स right, तो ये कहां पर इनसे रिलेटेड क्या लॉज है इंडिया के अंदर और साथ ही साथ इनको किस तरीके से रजिस्टर कराना है और कितना इनके बारे में पढ़ना है फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम वो हम आज के सेशन में जानेंगे राइट right? सो so, एक मेरे पास मैसेज आया है यहाँ पर प्रिया का मैम आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है फर्स्ट टाइम पे ही समझ जाते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो चलिए तो फिर उसी के तरीके को अपनाते हुए जानते हैं आगे थोड़ी से बारे में अब मैंने सोचा यार थोड़ा सा ना आपको पिक्चर से समझाती हूँ ऐसे ना तभी मजा आएगा तो चलो हम लोग बात करते हैं अरे यार तुम लोग ए लेना वोल्टास का ही लेना ओके फ़ोन लेना आईफोन ही लेना क्यों भाई क्योंकि भाई वो इतना पॉपुलर हुए उनकी इतनी डिमांड बढ़ी कि हम लोगों के मुंह पे आ गया हम लोग देखते ही पहचान जाते हैं अरे ये चार वो साइन है तो ये आउडी कार होगी है ना ये बी कार होगी ये ही होगी देख के पहचान जाते हैं क्योंकि जान चुके हैं पहचान चुके हैं हमें पता चल चुका है कि इस सिंबल का मतलब क्या होगा ये टैगलाइन किसकी है ये गाना किसने गाया होगा सुनते ही पहचान जाते हैं अब ये जो राइट्स होते हैं ना गाइस ये बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक ब्रांड्स लाइसेंसिंग उनकी प्रोटेक्शन के बारे में ऑथरशिप के बारे में उनकी क्रिएशन जो क्रिएटर्स होते हैं उन क्रिएटर्स का अपना कॉन्टेंट पर उनका कॉपी नोवेल्टी होता है राइट right? और पेटेंट ब्रांड्स ये सारी चीज़ें होती हैं चलिए तो थोड़ा सा शुरू करते हैं आई के बारे में इंट्रोडक्शन आई पी आर इनटैंजिबल प्रॉपर्टी के होते हैं गाने आप केवल सुनते हो और महसूस करते हो और सुनते हो सैड सॉन्ग्स पंजाबी हिट्स भंगड़ा सॉन्ग्स बजाते हो ना अपने मूड के हिसाब से लेकिन आप गाने को छू तो नहीं सकते हो है ना उसकी रिदम पर नाच सकते हो अच्छा फील कर सकते हो इनटैंजबल विच कैन बी फील विच कैन नॉट बी टच विच कैन नॉट बी सीन है ना इनटैंजबल लाइक like, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जैसे कि आपको दिखाया ये टाइगर क्रंच अगर किसी का फेवरेट मेरा तो ये बहुत फेवरेट है तो ये जैसे कि मैंने दिखाया आप यहीं से समझ जाएंगे कि ये पैकेट टाइगर क्रंच का है चॉकलेट वाले बिस्किट हैं ब्रिटानिया का लोगो लगा हुआ है तो ब्रिटानिया का है विच इज़ नॉट अब हम टच नहीं कर सकते ब्रिटानिया लोगो प्रिंट है ये तो एक पेपर रैपर है इसको टच करें अगेन द इनटेंजिबल है ना इनटेंजिबल सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जब हमने बहुत सारे लॉस पड़े टेंजिबल प्रॉपर्टी राइट्स के तो यहाँ इनटैजिबल प्रॉपर्टी के भी राइट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ना शुरू करेंगे इनटेंजिबल प्रॉपर्टी ओनड बाई अ पर्सन चाहे वो किसी एक व्यक्ति की हो कंपनी की हो अब जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी है अड्डा टी शर्ट ये किसी कंपनी की टी शर्ट है राइट तो किसी पर्सन का अपना हो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट यूज विदाउट द कंसेंट जिसको प्रोटेक्ट किया गया है कि दूसरा बंदा उसे यूज नहीं कर सकता बिना कंसेंट के अब क्या ये अड्डा की टी शर्ट पहनकर या जैकेट पहनकर क्या आप घूम सकते हो नहीं घूम सकते क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं मिली है आपके पास इसके राइट्स नहीं है मैं यहाँ पे काम करती हूँ मैं यहाँ पर एजुकेटर हूँ मेरे पास इसको पहन के दिखाने के क्लास लेने के राइट्स हैं राइट तो दस राइट्स रिलेटिंग टू द ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो जो भी अधिकार उस व्यक्ति के है जिसने कोई कंटेंट क्रिएट करा है जिसने कोई अपना ट्रेडमार्क बनाया है पेटेंट बनाया है वो उसके अलावा उसकी अथॉरिटी के अलावा कोई ना यूज करे उसके अगेंस्ट ये अधिकार दिए जाते हैं आई के अंदर चलो जी आगे चलते हैं दीज राइट्स एम टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट अब यार मैं चाहूँ तो मैं जाकर क्या हिमालय के ऊपर या किसी पहाड़ के ऊपर अपना कॉपीराइट बनवा सकती हूँ पेटेंट करवा सकती हूँ नहीं ना वो नेचर ने दिया है सबको दिया है सबके लिए दिया है बट वॉट इज टू जो मेरे से द्वारा मेरे द्वारा क्रिएट किया गया मैं कोई गाना गा दूँ वो मैंने क्रिएट किया है इफ़ यू वन ए यूज़ दैट सॉन्ग तो आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी है हाँ ना तो ये सारी चीजें हैं क्रिएटर्स ऑफ ट्रेडमार्क पेटेंट्स कॉपीराइटेड वर्क्स बेनिफिट टू देयर क्रिएशंस तो ये जो लॉज होते हैं जो मैंने अपना एक कंटेंट क्रिएट करा है मैंने अपनी कोई इन्वेंशन की है मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है सॉफ्टवेयर बनाई है या एनीथिंग व्हिच इज क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग उसको प्रोटेक्शन के लिए अब मानो यार मैंने कोई चीज बना दी मार्कर है ब्रांड लिखा है हर जगह ब्रांडिंग आपको दिखेगी इंस्टाग्राम पे चले जाओगे एवरीबडी इज ब्रांडिंग कोलैबोरेशन हो रही है सब ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं तो वो ब्रांड बन गए ना आप समझ जाएंगे कि ओ ये लिपशेड किस चीज का है चलो एक और एग्जांपल, ये लिपशेड एक पर्टिकुलर कंपनी का है आपको पता चल जाएगा तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये कहाँ से आया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी कि यू डी एच आर ऑल्सो रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी सेवन विद स्टेट्स क्या बात करता है ये जो है यूनिवर्सल डिक्लेन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल नंबर ट्वेंटी सेवन बोलता है एवरी वन अ राइट टू प्रोटेक्ट द मॉरल एंड द मटीरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक किसी साइंटिफिक तरीके से आए जरिए से आए लिटरेसी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ विच ही इज द ऑथर जिस चीज का वो ऑथर है क्रिएटर है वो सारी चीजें उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलनी चाहिए प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए हा ना जी समझ आया यहाँ तक चलो अब आगे बात करते हैं वॉट यू ऑल नीड टू नो अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नंबर वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम आगे सब आईपी बोलेंगे इज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी सीन विच कैन नॉट बी टच्ड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड दैट कम्स इनटू टू एक्जिस्टेंस थ्रू ह्यूमन इंटेलेक्ट जो ह्यूमन से बनाई गई है इंसान ने बनाई है उसने क्रिएट करी है वहाँ से केवल दिस इज दी शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन एंड इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ अ माइंड और प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट माइंड मेरे दिमाग से बनाया गया है मैंने इसके लिरिक्स सोचे मैं बड़े गम में थी मैंने एक सैड सॉन्ग बना दिया बहुत वायरल हो गया वो क्या है मेरे माइंड से आया है मेरे इमोशन से आया है वट जो मैंने क्रिएट करा है है ना एंड सच एज इन्वेंशन डिज़ाइन्स लिटरेसी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क सिम्बल्स नेम इमेजेज यूज इन द कॉमर्स अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना दी और मैंने बहुत सारे आइडियाज़ लेके विचार करके कर मैंने उसकी पेंटिंग्स बनाई मैंने पेंटिंग बना दी अब uh, वो पेंटिंग वाला डिज़ाइन कॉपी कर लिया किसने हमारे किसी एक दर्शक ने अब क्या करें मुझे तो भाई ये क्रिएशन मेरी है मैंने बनाई इतनी बेहतरीन पेंटिंग तो मेरा उसके ऊपर नाम होना चाहिए और जिसने वो कॉपी किया तो वो कॉपीराइट का क्या करेगा वॉयलेशन करेगा सो so इस तरह की चीजें अब हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे राइट? ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शैल इनक्रूड द राइट रिलेटेड टू अब हम तरीके से सलीके से बात करेंगे भैया ठीक है पता चल गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है बट क्या ये सारी चीज़ें क्या होती हैं किस किस के अगेंस्ट हम राइट ले सकते हैं अब जैसे कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी जब हम प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ रहे थे तो हम ये देख रहे थे यार ये पर्टिकुलर एक एक घर मेरा है इसकी ओनरशिप मेरे पास है तो इसकी पोजेसन का राइट होना चाहिए मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज़ की तो हमें ये पता था वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर हाउस फ्लैट प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड है ना वो दिख रही है अब यहाँ पर किन किन चीज़ों के ऊपर ये राइट्स मिलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेट्स सी नंबर वन नंबर वन यहाँ पे इसको ले आते हैं और ये देखते हैं हम लोग नंबर वन लिटरेरी किसी ने कुछ लिख दिया लिटरेचर चैप्टर मॉरल्स पोएम्स लिटरेचर वर्क आर्टिस्टिक किसी ने कोई कलाकारी कर दी साइंटिफिक इनोवेशन कर दी इन्वेंशन कर दी इन्वर्टर बना डाला फ़ैन बना डाला टेबल फैन बना डाला पहले की इन्वेंशन और इन्वेंशन आती हैं आगे जाके है ना बाईसाइकिल बनाई डाली बैटरी वाली स्कूटी बना डाली बहुत सारी चीज़ें बैटरी वाली कार बना डाली और जो तमाम चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो कि उसका दिमाग था इस टेक्नोलॉजी के पीछे ऐसी टेक्नोलॉजी आई वो था फेसबुक आया इसके पीछे किसका नाम था बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में तो ये क्या हो गया उसका वर्क हो गया जो उसके इन्वेंशन उसकी ह्यूमन माइंड से जनरेट हुआ है राइट right? अब आगे चलते हैं परफॉर्मेंसेस और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्ट ये भी क्या होंगे अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस होंगी ये तो वो क्या हो गया उसका कॉपीराइट हो जाएगा कोई डांस फॉर्म है किसी चीज़ और परफॉर्मेंस है कोई उसकी स्टोरी है ठीक है आजकल हम स्टैंड अप कॉमेडीज़ देखते हैं है ना तो क्या जो स्टैंड अप कॉमेडीज़ है वो लोग जो अपनी स्क्रिप्ट बोलते हैं जिस तरीके से हंसाते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस के अंदर आती है है ना उनकी स्टोरी उनके टैग लाइन्स कोई नहीं चोरी कर सकता बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द राइट ऑफ दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जैक्टली मार्क जोकोबर्क आगे चलते हैं इन्वेंशनस इन ऑल फील्ड ह्यूमन कहीं पर भी किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेंशन हो रही है साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हो रही है आज ये निजात कर दिया आज ये कर दिया आज वो इन्वेंशन हो गया तो कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन हो रही है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस किसी ने कोई मशीनरी बना दी कोई फैक्ट्री के अंदर मशीन बना दी कुछ बना दिया तो वो सारी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन डिश वॉशर बन गया माइक्रोवेव बन गया एयर फ्रायर बन गया तो ये सारी चीज़ें ठीक है और ट्रेड मार्क्स सर्विस मार्क्स कमर्शियल नेम्स एंड डेजिग्नेशन जैसे कि डोमिनोज वर्सेज डोमिनिक करके केस था या ग्लूसेस्टर ग्रामर केस उसमें भी हमने ये बात नहीं नहीं वो सॉरी वो गलत हो गया बट यहाँ डोमिनोज वर्सेज डॉम डोम किक ऐसे करके कर दिया था तो जहाँ पर अगर किसी का कोई ब्रांड नेम है है ना वो सारी चीज़ें ठीक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी अनफेयर कंपटीशन किसी भी प्रकार का अनफेयर कंपटीशन ना हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे तो किसी ने बेचारे ने मेहनत करके अपना ब्रांड बनाया किसी ने उसके ब्रांड को चोरी करके वो भी अमीर हो गया नहीं भाई उसने तो बिल्ड किया है ना वो गुडविल वो रेपुटेशन बिल्ड की है तो उसका भी तो कोई चार्ज होगा कोई अमाउंट होगा अथॉरिटी होगी लीगलाइजेशन होगी है ना तो एंड ऑल अदर राइट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल साइंटिफिक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक फील्ड बेसिकली ये आठवां नंबर सारी बातों को पूरा कर देता है एंड अदर कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नो हाउ टू अंडिसक्लोज इंफॉर्मेशन एंड ले आउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो ये भी आई के अंदर ही आएगी कोई भी जोग्राफिकल डिज़ाइन हो गया जोग्राफिकल मैप हो गया इंडिकेशन्स हो गए उनके राइट्स हो गए एंड इन अनडिसक्लोज फॉर इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी वहाँ पे उस बंदे ने इंफॉर्मेशन निकाली तो पहले किसने निकाली वो भी मायने रखेगा एंड डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी इसी के अंदर आएंगे सो so, ये सारे इन सारे कामों के प्रति हमको आई के राइट्स मिलते हैं यहाँ तक बात क्लियर हुई यहां तक बात क्लियर हुई एवरी वन यस चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग आगे बात करेगा पॉइंट मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ यूज टू रेफर द बंडल ऑफ राइट्स आई पी आर इज़ यूज टू रेफर द बंडल ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाई अ लॉ ऑन क्रिएटर जिसने वो चीज़ क्रिएट करी है कोई भी कॉन्टेंट कोई भी चीज़ कोई भी मटीरियल उसने क्रिएट करा है ओन किया है ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हमने पहले अभी पहले वाले स्लाइड में पढ़ी कि वो सारी क्या थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ थी कोई पेंटिंग लिटरेरी वर्क ऑल दीज थिंग्स राइट आगे चलते हैं दीज आर द राइट दैट अ पर्सन हैज ओवर क्रिएशन ऑफ हिज माइंड वो कौन से हैं जो उसने अपने दिमाग से क्रिएट करी है ह्यूमन माइंड से क्रिएट की गई है ईजाद की गई है जिस चीज़ का एंड दे सीक टू प्रोटेक्ट वो क्या करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अपना इंटरेस्ट जो क्रिएटर्स का इंटरेस्ट और रिवॉर्ड करते हैं उनकी मेंटल लेबर को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उनकी जो मेंटल लेबर है जिस दिमाग से उन्होंने काम किया है उसको अवॉर्ड करते हैं उसको रिवॉर्ड करते हैं एंड अलाउंग देम टू रिटेन द प्रॉपर्टी राइट्स ओवर देयर क्रिएशन और ये अलाउ करते हैं कि जो उन्होंने क्रिएट कर दिया है जो उन्होंने क्रिएट कर दिया है उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें राइट right? और सिक्योर कर सकें और अपने पास ही हमेशा के लिए रिटेन कर सके यानी कि जो इनके सारे राइट्स हैं वो कंप्लीट किसके पास होंगे इसके पास होंगे कई बार आपने देखा होगा कि जब हम गाना सुनते हैं तो उसमें लिखा होता है लिरिसिस्ट ये यानी कि वो लिरिक्स उसके कॉपीराइट के अगेंस्ट मतलब उसके अंडर है जो आवाज़ है गायकी है सिंगर वो उसकी है लिखा जाता है कि इसमें किस किस का योगदान है और इनके ऊपर इसके राइट्स हैं राइट right? आगे चलते हैं द क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर्स आर अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम देयर क्रिएशंस अब एक बार गाना बना दिया सबने डाउनलोड किया इतने मिलियन व्यूज आ गए तो वो उससे भी का बेनिफिट लेंगे और उनके गानों से जब आप देखते हो उनके गानों से कोई भी पैसा कमाएगा नाच के कूद के रील बना के तो उनको भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा इस आप सबको यूट्यूब की नॉलेज है थोड़ा बहुत तो जब भी आप कोई गाना डालेंगे तीस सेकेंड से, से ज़्यादा तो आपको उनको अपना रेवेन्यू शेयर करना होगा क्योंकि आप उनके गाने को यूज़ करते हुए अपना कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो विद उनकी हेल्प ले रहे हो तो आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा उनको राइट्स देने होंगे उनको जो भी है मेंशन करना होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं राइट right? उसके बाद एंड आई पी राइट आर द लीगल राइट गवर्निंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यही राइट इंटलेक्चुअल इसकी जरूरत क्या थी इस राइट को लाने की क्या जरूरत थी बहुत शॉर्ट में बताऊंगी मैं इस राइट को लाने की जरूरत क्या थी क्या ऐसी जरूरत पड़ी क्या हमें आईपीआर बनाना पड़ा ठीक है सॉरी चलिए द वेरियस रीज़न बिहाइंड ग्रांटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ आई पी आर थ्रू एन एक्टमेंट ऑफ आई पी आर लॉज आर एस फॉलोज पहली बात कि ताकि जो इन्वेंशनस हैं क्रिएटर क्रिएशन हैं उनको इंक्रेजमेंट मिले उन्हें बढ़ोतरी मिले उन्हें इनक्रेजमेंट यानी कि साथ मिले ठीक है उनको इंक्रेज हो सके उत, ठीक है एंड क्रिएशन दैट प्रोमोट द सोशल इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी अगर इन्हीं सब चीज़ों को ह्यूमन माइंड के क्रिएशंस को ही अगर प्रोटेक्शन नहीं मिली तो लोग आगे कुछ क्रिएट ही नहीं करेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए तो बल्कि बेसिक हमारे पास लॉज होने ही चाहिए है ना तो जो हम इससे हमारे कल्चरल होंगे इकोनॉमिक गेंस होंगे और क्या होगा हमें इकोनॉमिक सोसाइटल गेम्स होंगे ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी इन क्रिएशंस के द्वारा आज हम यूट्यूब पे इस यूट्यूब के कारण मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ आप सभी को पढ़ा रही हूँ ये दिस इज ऑल क्रिएशन मैं आपको नोट्स ढूंढ के रिसर्च करके लिख के दे रही हूँ दिस इज माई क्रिएशन राइट एंड टू प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन टू द इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस इनके क्रिएशन को सिक्योर करने के लिए इनके क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मिलना चाहिए दोस्तों क्या मिलना चाहिए इनको लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए एंड टू प्रिवेंट द थर्ड पार्टी यानी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति वो ना क्या कर सके दूसरे की मेहनत एंजॉय ना कर सके दूसरे के उसने तो बेचारे ने पेड़ लगा के अब फल उगाए और खा वो रहा है ऐसा हो सकता है ना ऐसा हो सकता है तो ये चीज सिचुएशन ना हो इसीलिए इन आईपीआर राइट्स को यहाँ पर बनाया गया रीयूज कंटेंट भी लग जाता है वो मर्जी है भाई ठीक है एंड टू फैसिलिटेट द फेयर ट्रेडिंग इस तरीके से आसानी से फेयर तरीके से धंधा हो पाएगा ट्रेडिंग हो पाएगी एंड टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इट्स देशन क्रिएटिविटी बढ़ेगी बढ़ावा होगा एक गाना हिट होगा बंदा दूसरा करता है एक पिक्चर हिट होगी दूसरा करता है एक पोयम एक पेंटिंग हिट होगी दूसरा करता है बंदा है ना तो प्रोमोशन होती है उसकी एनकरेजमेंट होती है उसकी तो वो करने में और इंटरेस्टेड होता है एंड गिविंग रिकॉग्निशन टू द एफर्ट्स ऑफ क्रिएटर तो और साथ ही साथ जो उन्होंने मेहनत करी उसको रिकोगनाइज करना उसको क्या करना उसको रिकॉग्नाइज करना एंड प्रिवेंटिंग द इनफ्रिंचमेंट किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर इन्फ्रिजमेंट ना हो जब हमने लॉज इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाए मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाए तो ऐसे लॉज भी होने चाहिए जो हमारी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ह्यूमन माइंड की प्रॉपर्टी क्रिएटर क्रिएशंस को सिक्योर कर सके उनके लिए भी राइट्स होने चाहिए ऑल्सो टू इंकरेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्किल एक बंदा कई बार कुछ चीज़ इन्वेंट करने में पूरी जिंदगी लगा देता है घंटों घंटों लगा देता है तो उसकी स्किल को उसकी इन्वेंशन को उनकी उसकी इन्वेस्टमेंट को कई बार पैसा लगाता भी है, है ना उसको इंकरेज करने के लिए उसके टाइम को उसके पैसा फाइनेंस को और जो भी वो अदर रिसोर्स दे रहा है उसको इनोवेशन एक्टिविटीज में लगाता है तो सोसाइटी के लिए जो भी बेनिफिशल होती है कोई चीज़ बन जाती है इन्वेंट हो जाती है तो सब यूज़ करते हैं ना उसको है ना तो उसी के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए इंकरेज करने के लिए ये सारी चीजें कराई जाती हैं नाउ बहुत शॉर्ट में हमने जाना आई क्या है क्यों बनाया गया किसके ऊपर लगता है और क्यों इसकी जरूरत थी ये सारी चीजें हमने ब्रीफ में पढ़ ली है नाओ अब बात करेंगे थोड़ा सा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में लेकिन अभी नहीं जब तक हम थोड़ा और टॉपिक को पढ़ते हैं उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईपीआर किस तरीके के कंपोनेंट कंपोनेंट्स है कौन मुझे बताएगा वॉट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ आई पी आर जिसके थ्रू हम सभी गाइड कर रहे हैं हां जी मैं आपको कर दूंगी ठीक है मैं आपको सेंड कर दूंगी कंपोनेंट्स ऑफ आईपीआर अभी हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स में क्या-क्या होते हैं जल्दी से बताओ नंबर वन पेटेंट्स अभी जानने की जरूरत नहीं है नहीं पता तो हम आज पढ़ेंगे इसको फिर ट्रेडमार्क्स ट्रेडमार्क्स होते हैं देन वी हैव कॉपीराइट कॉपीराइट होते हैं देन वी हैव डिजाइन राइट्स डिजाइन राइट्स तो ये सारी चीजें क्या है Components of IPR. Components हैं ये सारी ठीक है जी ये क्या है कॉम्पोनेंट्स तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉपी राइट को कॉपी राइट क्या होता है एनी वन कोई आइडिया कोई गेस्ट करना चाहेगा कॉपी राइट क्या होता है हो कॉपी का राइट डेटा बेस राइट ओके और क्या होता है चलिए जी देखिए दूसरे किसी पर्सन का वीडियो यूज करना नॉट ओनली अबाउट वीडियो नॉट ओनली अबाउट वीडियो चलिए तो हम पढ़ते हैं द टर्म कॉपी राइट राइट ऑफ क्रिएटर याद रखना कॉपी राइट से शब्द आता है क्रिएटर का कॉपी राइट से शब्द आया क्रिएटर का ऑथर का ठीक है एंड द लिट्रेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है लिटरेरी वर्क है उसके ऊपर आ रहा है कॉपी राइट अपी राइट इज ऑल्सो कॉल्ड लिटरेरी राइट एंड ऑथर्स राइट तो कॉपी राइट से क्रिएटर शब्द यूज़ करना एंड क्रिएटर से ऑथर शब्द को यूज़ करना कॉपी राइट को यूजअली हम लोग लिटरेरी राइट्स और ऑथर्स राइट के नाम से भी जानते हैं नाउ कॉपी राइट गिव्स एन ऑथर एक्सक्लूसिव राइट्स टू हिज क्रिएशन अब उसने कोई भी चीज़ क्रिएट की सकती कर सकता है सॉन्ग पिक्चर इमेज कोई फोटोग्राफी उसने कुछ की है ठीक है कोई मूवी बनाई है कोई और कंटेंट उसने क्रिएट किया है राइट कोई और कंटेंट उसने क्रिएट किया है ठीक है तो ये देखते हैं कॉपीराइट गिव्स गिवस एंड ऑथर क्रिएशन प्रिवेंट्स टू कॉपिंग अब ये देखिए क्या बात करता है कॉपीराइट ये देखिए कॉपीराइट गिव्स गिव एंड ऑथर एक्सक्लूसिव राइट मुझे मैंने कोई चीज क्रिएट करी है उसके एक्सक्लूसिव राइट right किसको मिल रहे हैं मुझे मिल रहे हैं अब मुझसे कोई मांगेगा तो मैं ही उसको आगे दूंगी अदरवाइज ऐसे नहीं किसी को भी अथॉरिटी है मेरी मेरे कंटेंट को मेरी क्रिएशन को कॉपी करें और फ्रूट्स ले ले उसका रिजल्ट ले ले फेमस हो जाए या जो भी है पैसा कमा ले नहीं मिलने चाहिए बिकॉज दैट इज माई क्रिएशन एंड इज माई क्रिएशन द ऑल राइट्स आर इवेस्टेड इन माई अथॉरिटी सो कॉपी राइट गिवस एन ऑथर एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएशन एंड प्रिवेंट्स दैम वो रोकता है कि कोई और व्यक्ति उसे कॉपी ना कर ले एंड अनऑथोराइज पब्लिशिंग ना करे ऑफिस वर्क अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा भाई क्या करते हैं आपने देखा होगा कि आ, कई बार जब मूवी वगैरह लीक हो जाती है तो सब कहते हैं प्लीज आप लोग ऐसे मत कीजिए है ना आ, आप मूवी लीक पायरेटेड मूवी को नहीं देखिए हमारा लॉस हो जाता है ये हो जाता है बोलते हैं ना इसीलिए पायरेसी के ऊपर बड़े लॉज है स्पेशल एक्ट है पायरेसी के ऊपर ठीक है राइट ये चीज है आ, वन सेकेंड मैम जिस तरीके से आप हमें गाइड करते हो कॉलेज ऐसे गाइड कर देनी थिंग एक सेकेंड चलो आप सब अपने कमेंट्स दोबारा लिखना वो सारे आ, उड़ गए हैं गाइस आप सब अपने कमेंट दोबारा लिखना क्योंकि मैंने रिफ्रेश कर दिया तो वो सारे क्लियर हो गए सो so, अगर आपने कुछ बोला था तो जस्ट राइट इट डाउन अगेन आगे चलते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन बिगेन्स एट द वेरी मोमेंट द वर्क इज क्रिएटेड एंड एक्सप्रेस इन सम टैंजिबल फॉर्म कॉपीराइट कब हो जाता है अब मान लो यार मार्केट में मैंने क्या कर दिया अपनी चीज डाल दी विदाउट कॉपी राइट तो जब तक उसको कॉपी राइट नहीं था तब तक तो वो जहां लीक हुई होगी जहां गई होगी कोई उसके ऊपर नहीं है तो जब लॉन्च होती है किसी चीज को आप दिखाते हैं किसी को मतलब दिखाना होता है फर्स्ट अपीयरेंस होती है किसी भी चीज़ की किसी भी क्रिएशन की उससे पहले उसके कॉपीराइट के लिए काम करना होता है कि पहले ही आपने कॉपीराइट क्लेम्स को अपने पास रख लिया है अपनी क्रिएशन को प्रिवेंट प्रोटेक्ट कर लिया है अब उसके बाद आप रिलीज कर रहे हो तो कोई भी द वेरी फर्स्ट पर्सन अगर कोई भी आपके साथ आपकी क्रिएशन को चुराने की मिसयूज़ करने की कोशिश करता है तो यू हैव दैट राइट अगेंस्ट दैट मिस यूज और वॉट एवर द थर्ड पर्सन इज़ डूइंग तो यहाँ पर क्या बात करता है कि दी एक्सप्रेस वेरी फर्स्ट जब वो टैंजल फॉर्म में आ जा आ सकती है विच कैन बी सीन कैन बी हर्ड है ना तो वो जब टैंजल में आ जाए तो उससे पहले ही आप उसको कॉपी राइट करो फॉर एग्जाम्पल आगे बताती हो चलिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड टू अ वर्क दैट इज ओरिजिनल क्रिएशन कॉपीराइट उसी को मिलेगा जिसने ओरिजिनल किया होगा अब फॉर एग्जांपल मैं थीजिस बना रही हूँ अपनी पीएचडी की तो मैं बहुत जगह से रिसर्च करती हूँ कंटेंट को लेती हूँ लेकिन उसको अपने ही शब्दों में क्या हूं? करती हूँ ट्रांसलेट करती हूँ अगर मैंने वो कॉपीड लाइन कहीं से भी ली कहीं भी वेबसाइट से ली किसी बुक से ली वो लगा दी तो वो कहाँ आ जाएगा प्लेग्रिजम में आ जाएगा कि ये जो आपने इसके अंदर ये चंद कुछ लाइनें लिखी है चंद कुछ शब्द लिखे हैं ये क्या है कहीं और से कॉपीड है तो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए हाँ मेरी पीएचडी मेरी थीसिस जब सबमिट हो जाएगी तो वो मेरा पर्सनल हो जाएगा मेरी चीजे से कोई कॉपी नहीं कर सकता मेरा कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता होगा क्योंकि वो एक माय प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ प्रॉपर्टी बन जाएगी है ना क्योंकि मैंने उसे लिखा है मैंने उसे क्रिएट किया है मेर आइडियाज विदाउट एनी टेंजेबल एक्सप्रेशन आर नॉट ग्रांटेड द लीगल प्रोडेक्शन मान लो मैं एक आइडिया बना रही हूँ कि यार मैं ना एक टाइम मशीन बनाऊंगी मैं टाइम मशीन बनाऊंगी और मैं उसके अंदर ये डालूंगी और उसके अंदर हम लोग अपने पुरानी लाइफ में चले जाएंगे और ये करेंगे मैं आपके साथ बैठ के ऐसी गप शप कर रही हूँ और ख्याली पुलाव बना रही हूँ और क्या करा इतनी देर में क्या करा सामने किसी ने मेरा आइडिया चोरी करके बनाना शुरू कर दिया मैं कहूँगी अरे नहीं नहीं दिस इज़ माई आइडिया तो आइडियाज़ कैन बी शेयर्ड आइडियाज़ कॉपी कर सकता है कोई भी क्योंकि उसके ऊपर तो कोई कॉपी का प्रोटेक्शन नहीं है है ना उसके ऊपर कोई कॉपीराइट का प्रोटेक्शन नहीं है सो यहाँ पे एक मैसेज आया है मैम आप जिस तरीके से हम सबको गाइड करते हो कॉलेज जैसे बिल्कुल नहीं पढ़ाती है सो दैट्स वेरी टॉपिक वेरी न्यू टू एवरीवन देख लो जबकि लॉ कॉलेज के अंदर पूरा पूरा सब्जेक्ट होता है ये वाला आईपीआर का लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता कोई इस पर कुछ नहीं करता कोई भी नहीं करता राइट right? चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच प्रीति थैंक यू सो मच इसी से ही तो इनकेजमेंट मिलती है कि नहीं यार जो चीज़ आपने खुद इतने टाइम में सीखी से मेरे साथ भी ऐसा होता था कॉलेज में अच्छी गाइडेंस ना और कहीं अच्छी गाइडेंस खुद पढ़ पढ़ के खुद करके तो जब आप पढ़ाओ या आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जब आप किसी को सिखा रहे हो तो ऐसा सिखाना लाइफ में कि उसको दोबारा सीखने की ज़रूरत ना पड़े किसी को खाना बनाना सिखा रहे हो किसी को घर का काम करना सिखा रहे हो किसी को ऑफिस का काम करने का सिखा रहे हो कुछ भी सिखा रहे हो तो फिर ऐसे सिखाना कि जैसे याद वो दिन याद करना जब आप सीख रहे थे और आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था ऐसे ही अगर हम बहुत ही आ, अच्छे तरीके से ऑनेस्ट तरीके से अपना कोई अपना कोई भी काम करेंगे वो हमेशा बेस्ट ही होगा दूसरों के लिए हमारे समाज सोसाइटी के लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा है ना तो उसी तरीके से करना क्योंकि देखो अगर हम ये सोचेंगे ना कि यार हम भी वैसे ही करेंगे जैसा दूसरे ने हमें हमारे साथ किया हमें नहीं सिखाया सारा कुछ इसे नहीं बताते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हमें आगे बढ़ना है तो और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाना होगा ज्ञान आपका बांटने से ही बढ़ता है आज भी कई बार क्लासेज में मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते तो कुछ नई चीज़ सीख लेती हूँ अरे वाह ये मैंने आज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया वो मैं अपनी अगली क्लास में भी एग्जीक्यूट कर लेती हूँ वो चीज़ अच्छी हो जाती है सो वट एवर यू डू फॉर डू समथिंग फॉर एनी वन फॉर सम वन जस्ट डू इट विद ऑल योर योर इंटेग्रिटी और वहां भी कुछ नहीं होता जहाँ पे लाखों लाखों फीस देते हैं स्टूडेंट वहां पर भी सच कुछ नहीं होता है नॉट ऑल बट येस बट समलो ऑल्सो द प्रोडक्शन एक्सटेंड टू द

और ऑथर को है हाँ ना कॉपीराइट तो इन्हीं को मिलेगा क्रिएटर को और ऑथर को पहला इकोनॉमिक राइट्स इकोनॉमिक राइट्स ऐसे कि जो भी उससे फाइनेंशियल बेनिफिट होगा भाई गाना मैंने बना दिया ठीक है अब गाने के ऊपर मैंने यूट्यूब पे डाल दिया गाना बना के वो गाना फेमस हो गया और उससे बहुत लोग अब कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं ना मेरे फाइनेंशियल राइट्स भी होने चाहिए अगर वो फिफ्टी नाइन सिक्सटी मिलियन कई बार पंजाबी सॉन्ग आप डालोगे और देखोगे सिक्सटी सिक्सटी सेवेंटी मिलियन उनके व्यूज़ होते हैं उसका पूरा रेवेन्यू वो क्रिएटर के पास ही जाता है प्लस जो और लोग उस क्रिएशन से कमा रहे होते हैं उनका भी शेयर रेवेन्यू उसके पास जाता है तो उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को संभालने के लिए फ्रॉम द यूज़ ऑफ देयर वर्क बाई दी अदर्स ताकि जो दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं भैया इधर अपना कमीशन भी दो एक ब्रोकर मांगता है ना कमीशन सिमिलरली अगर आप मेरे काम को यूज़ कर रहे हो तो कमीशन दो फॉर इंस्टेंस द राइट ऑफ प्रोहिबिट टू और रीप्रोडक्शन उसको क्या करे उसको रोकता है और ऑथोराइज करता है कि उसकी रीप्रोडक्शन ना हो ऑफ द वर्क की एंड बाई द राइट टू प्रोहिबिट अनऑथराइज ट्रांजेक्शन ऑफ द वर्क एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल मेरी बिना फॉर एग्जाम्पल तो, मैं, मैं आपको बताती हूँ मैंने गाना बनाया एक बहुत बड़ी मैं सिंगर हूं मैंने अपना गाना बनाया तो मैं अपने राइट शेयर करती हूँ टी सीरीज आप देखते होंगे टी सीरीज पे सबसे पहले गाना आ जाता है और कोई चैनल्स आप देखते होंगे जो म्यूजिक चैनल देवा हमारा आपका गाना हिट जाता है तभी वो लोगों तक पहुंचता है क्योंकि लोगों ने उसको सब्सक्राइब या फॉलो कर रखा होता है तो मैं उनको अपने राइट्स देती हूँ वो मेरे पिक्चर के वो मेरे गाने के राइट्स को खरीदते हैं मूवी हॉल्स हो गए और कोई हो गई चीजें होंगे कंपनीज हो गई वो मेरे राइट्स को खरीदेंगी मैं राइट्स के वो मुझे पैसे देंगी और फिर वो जो रेवेन्यू क्रिएट वो रेवेन्यू बनाएंगी वो उनका होगा इस तरीके से सारा काम चलता है ऐसे नहीं चलता कि बस यूं ही हमने गाना डाल दिया हाँ तीस सेकंड के लिए आप प्रमोशन तीस सेकंड के लिए डाल सकते हो उससे ज्यादा डालोगे लाओ जी लाओ शेयर रेवेन्यू बहुत सारी चीजें होता है आ, जहां से फिल्टर सिलेक्शन होती है ये मैनेज कौन करता है पेमेंट टू ऑथर इनडायरेक्ट वेज हैं अरे बहुत सारे वेज हैं आप इस इंडस्ट्री में जब जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि इट इज़ अ कंप्लीट अलग वर्ल्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से काम करती है अब हम लोग उस इंडस्ट्री में नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंगर नहीं हूँ मैं अपने राइट्स किसी को नहीं दे रही मैं डायरेक्टर नहीं हूँ या मैं पोइट नहीं हूँ तो इस तरीके से वो राइट्स अपने देते हैं आप किसी से पूछो आप इसको अगर और रिसर्च करना चाहते हो तो पूछो तो अंदर से क्या प्रोसीजर है उसकी बात हम अलग करेंगे ठीक है आगे चलते हैं एंड देन वी हैव दी मॉरल राइट्स मॉरल राइट्स क्या हैं प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट कई बार एक तो चीज इन इससे क्या होगा इनका एक फाइनेंशियल होगा प्लस इनका एक मॉरल होगा मॉरल में फाइनेंस बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते हैं लेकिन इनकी रिकॉग्निशन हो जाती है मान लो कोई चीज हुई मान लो मुझे इससे पैसा नहीं आया बट मेरा नाम बहुत हो गया नाम बहुत हो गया मेरा मैं फेमस बहुत होगी तो माना मेरे पास फाइनेंशियल उसकी नहीं थी बट मेरे मॉरल राइट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं है ना एंड टू अपोज फॉर इंस्टेंस द राइट टू अपोज देंजेज टू दर्क एंड द राइट टू क्लेम दर्थ ऑथरशिप तो ये वाली सारी चीज़ें भी होती हैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कोई बहुत सटीक बात नहीं है जैसे कि हम लोग श्लोक वगैरह पढ़ते हैं हम कालीदास की कहानियाँ पढ़ते हैं या वो पढ़ते हैं हम लोग है ना तो वो क्या अब उस समय तो कॉपी राइट ट्रेडमार्क नहीं था लेकिन उनका नाम चलता है कोई भी मैं ऐसा शलोक बोलूँगी काल करे सो आज कर आज कर सो आपको कह रहे मैम ये तो उनका वो है तो क्योंकि उनकी रिकोगनेशन बन चुकी है रिकग्नेशन हो चुकी है उनके नॉन इकोनॉमिक राइट है इंटेलेक्टी आज कर, आज वो वो में कॉपी राइट नहीं होगा बट स्टिल यू कान डू बिकॉज एवरीबडी नोज दैट दिस इज रिलेटेड टू मॉरल राइट्स राइट यहां तक आया कहानी समझ में सो कॉपी चलिए आगे चलते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं किस तरीके के किस तरीके के अब कॉपी होते हैं कहाँ मिलते हैं द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्क टिपिकली कम अंडर द कॉपी राइट प्रोटेक्शन किस तरीके के काम किस तरीके के काम कॉपी के अंदर आएंगे क्योंकि कुछ काम आपके पेटेंट के अंदर भी चले जाएंगे कुछ काम आपके और किसी चीज के अंदर जाएंगे तो कहां तक नंबर वन लिटरेरी वर्क सच सचैस आपने नॉवल लिख दी कोई आपने कोई प्ले प्ले लिख दिया पोएम्स लिख दी एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिख दिए फॉर एग्जांपल आप सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो हर किसी ने देखा होगा जो सीज़न है फ्रेंड्स जो वेब सीरीज़ है है ना सबने देखी होगी अब क्या मैं उसकी सेम बनाऊं और हिंदी में बना दूं इंडियन शो बना दूं सेम डे वही डायलॉग्स और वही स्क्रिप्ट एंड डेली वही सात आठ फ्रेंड्स रखू और बना दो नहीं कर सकती आई कान डू आई कान डू वाई क्योंकि वो उनके प्लेज हैं वो उनकी स्क्रिप्ट्स हैं उनके डायलॉग्स हैं आई कैन नॉट कॉपी राइट फ्रेंड्स से सेम शो बना लू सेम नाम लिखी नहीं आई कान डू बिल्कुल नहीं कर सकते लेकिन कब तक वो अलग बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा बेसिस माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी क्या बनाई क्या बनाई मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बनाया पावर पॉइंट एक्सेल वर्ड माइक्रोसॉफ्टवेयर आगे चला डेवलपर बन गया ये सब बन गया अब वो हमें खरीदना पड़ता है है ना क्योंकि वो उसका कॉपीराइट है हम खरीद सकते हैं मैं एक और माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी नहीं बना सकती राइट फिल्म हो गई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन हो गए जिसने ताल सुर ये वो ये सब बनाए गाना रिदम ये वो डायलॉग म्यूजिशियन ये वो सारी चीज़ें करी एंड कोरियोग्राफी कई बार हम कोरियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल मैं ऋतिक रोशन का ये वाला स्टेप है आप पहचान जाएंगे अरे ये तो कौन सा है एक पल का जी ना वो वाला लगा रहा है ना तो आप समझ जाएंगे कुछ कोरियोग्राफीज किसी ने स्पेशल डांस किसी ने स्पेशल भरतनाट्यम किसी ने स्पेशल कुछ डांस फॉर्म निकाली है चलो एक अपनी और हमारी बात लगा लेते हैं जब डी आई डी डांस इंडिया डांस आता था तो वो एक स्लो मोशन डांस करते हैं राघव उसने एक अपना लेके आया स्लो मोशन डांस इंडस्ट्री के अंदर है ना तो ये सारी चीज़ें ये सब कॉपीराइट में आएगी एंड आर्टिस्टिक वर्क कोई पेंटिंग हो गई कोई कलाकारी होगी कोई डिज़ाइनिंग हो गई और फोटोग्राफ फोटोग्राफ्स फ़ोटोग्राफ्स हो गई मैंने कही ये ये फोटोग्राफर की फ़ोटोग्राफी है है ना डब्बू रत्नानी की फ़ोटोग्राफी है देखते हो ना आप लोग उनकी किस तरीके से होती हैं एंड कुछ पेंटिंग्स हो गई होगी स्क्रप्चर बना दिया कोई तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर ही आएंगी एंड आर्किटेक्चर कोई आर्किटेक्चर कर दिया मंदिर बना दिया अब राम मंदिर के जो आर्किटेक्चर हैं वो क्या होंगे स्पेशल होंगे उनके आर्किटेक्ट वो होगा ऐसे कोई कॉपी नहीं कर पाएगा है ना एंड एडवर्टीजमेंट एडवर्टीज़मेंट को भी नहीं कर सकते आप अलग अलग एडवर्टीजमेंट देखते हैं उन पर कॉपी होता है कि आप इस तरीके से स्क्रिप्ट नहीं बना सकते है ना मैप्स हो गया आपने कोई मैप बना दिया या कोई टेक्निकल ड्रॉइंग बना दी ठीक है ये सारी चीजें कहां पर आएंगी कॉपीराइट के अंदर आएंगी ये सारी चीजें कहा आएंगी कॉपीराइट के अंदर आएंगी एंड इन इंडिया द टर्म ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर एंड देन 60 इयर्स आफ्टर डेथ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एक बार आपने कॉपी करा लिया तो पूरी लाइफ टाइम तक रहेगा राय यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी प्लस सिक्सटी ईयर्स आफ्टर डेथ उसके बाद खत्म हो जाता है सिक्सटी ईयर्स आफ्टर डेथ तो ये पूरा हमने पढ़ा किसके बारे में कॉपीराइट के बारे में समझ में आया आप सभी को अगर कुछ भी डाउट है कोई भी परेशानी है कमेंट कर दो बता दो मुझे समझ में आया सो so ये सारी चीजें हमने कॉपीराइट के अगेंस्ट पढ़ी कॉपीराइट से रिलेटेड अगेंस्ट नहीं कॉपीराइट से रिलेटेड पढ़ी चलिए जी आगे चलते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या लॉज़ है कॉपी से रिलेटेड क्या लॉज है नंबर वन द कॉपी राइट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेवन पूरा एक एक्ट है जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिव जिसमें अगर आपको पढ़ना है बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है बहुत उत्सुक हो गए हैं आप क्यूरियस हो गए हैं तो आप इस एक्ट को पढ़ सकते हैं जिसमें कॉम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लिखा हुआ है कॉपी से रिलेटेड ठीक है लेकिन अभी हमें इतना ही पढ़ना है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एंड इन इंडिया द एक्ट रेगुलेट्स विच एस्पेक्ट्स द रिलेटिंग कापी तो वो कौन कौन से हैं कुछ एक्ट्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन पब्लिकेशन असाइनमेंट स्पेशल राइट ब्रॉडकास्टिंग एनफ्रिजमेंट ऑफ कापी राइट एंड रेमिडीज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कापी राइट अथॉरिटीज़ एंड कॉपीराइट सोसाइटीज़ एंड इंटरनेशनल कॉपी तो ये सारी चीज़ें लॉज और भी हैं रिलेटिंग टू द कापी तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं बट बाय माय साइड फ्रॉम माय साइड कॉपीराइट के लिए इतना ही पढ़ना जरूरी है प्लस आप सेक्शंस पढ़ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के यूजुअली एग्जाम में नहीं आते यही पूछा जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा राइट right? और प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा ठीक है और यहाँ वॉयलेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए ले लिया कि अगर कोई भी कॉपीराइट राइट करता है तो ये मैंने सोचा कि ये जरूरी है ये मैं आपको करा देती हूँ सेक्शन 51 वन ऑफ कॉपी एक्ट नाइनटीन के अंदर अगर कोई भी मेरा कॉपी है और आपने यूज़ कर लिया अब क्या करोगे भाई यूज़ कर लिया ठीक है यूज़ कर लिया तो ऑफ द कॉपी राइट एक्ट प्रोवाइड्स वट कंस्टिट्यूट कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट सबसे पहले कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है इन्फ्रिंजमेंट मतलब वॉयेशन क्या हो गया वॉयलेशन कोई भी आपके कॉपी राइट अधिकार को तोड़ता है ठीक है वेन अ पर्सन डज समथिंग कोई व्यक्ति कुछ करता है जो दैट द ओनर ऑफ द कॉपी राइट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू डू जो सिर्फ अधिकार किसके पास है केवल ओनर के पास है और वही कोई थर्ड पार्टी कर रहा है थर्ड पार्टी कर रहा है कई बार लोग इम्पर्सोनम भी करते हैं अपने आप को वही व्यक्ति बता के इन किसी को ठग लेते हैं इंपर्सोनेट इम्पर्सोनोनेट कर लेते हैं और परमिट्स प्रॉफिट और उसके उस प्रॉफिट को क्या ले लेता है यूज़ करता है किसी पर्पस के लिए पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन टू द वर्क टू बी पब्लिक किसी पब्लिक को उससे कोई भी कोई भी उससे पर्पसफुली उससे प्रॉफिट अर्न करता है वे सच कम्युनिकेशन कंस्टिट्यूट द इन्फ्रेंचमेंट ऑफ द कॉपी इन द वर्क विदाउट अ लाइसेंस और अ वोलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ द लाइसेंस बिना लाइसेंस लिए बिना अथॉरिटी लिए उस काम को यूज करता है उससे किसी को ठक काम उससे अपना कोई प्रॉफिट जनरेट करता है अपनी कोई कम्युनिकेशन को आगे करता है तो ये कॉपीराइट राइट होगा ठीक है कॉपीराइट वॉयलेशन होगा व्हेन एनी पर्सन मेक फॉर सेल और हायर क्या करता है कोई भी व्यक्ति बेचने के लिए या हायर करता है सेल्स और लेट्स फॉर हायर डिस्प्ले करता है ऑफर करता है सेल करने के लिए और हायर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट्स बांटता है इधर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड करने के लिए या किसी भी तरीके का प्रॉफिट करने के लिए पब्लिक के अंदर इंपोर्ट करता है इंडिया के अंदर तो वो भी इंफ्रिंजमेंट होगा ऑफ देट वर्क यानी कि उस काम से रिलेटेड कोई भी चीज करता है कोई भी चीज करता है उस काम से रिलेटेड बात करता है कम्युनिकेट करता है ट्रेड करता है तो यह होता है कॉपी राइट इनफ्रिंजमेंट नाउ सेक्शन टू टॉक्स अबाउट एलेश कौन सा काम या ऐसा कौन सा एक्ट आप करोगे कि जब वॉयेशन नहीं होगा जब वॉयेशन नहीं होगा नंबर वन कॉपीराइट राइट सच एस फेयर डीलिंग अगर आप फेयर डीलिंग कर रहे हो है ना किसी वर्क के अंदर किसी पर्सनल वर्क के अंदर प्राइवेट वर्क के अंदर रिसर्च के अंदर अब फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रही हूँ मैं मल्टीपल बुक्स को भी देख रही हूँ मल्टीपल आर्टिकल्स को भी देख रही हूँ तो मैं उनका ले रही हूँ फॉर एग्जांपल मैं उनकी जो भी कंटेंट है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ ले रही हूँ लेकिन मैं उनको क्या कर रही हूँ लाइसेंस दे रही हूँ ले रही हूँ उनका लाइसेंस ले रही हूं या फिर क्या कर रही हूँ नीचे टैग्स में मुझे लिखना पड़ता है कि ये चीज मैंने कहाँ से ली कहाँ से बोरो करी तो यानी कि मैं उनको क्या दे रही हूँ क्या बोलते हैं उसको एक वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा आ, कि अगर मैं उनकी कोई चीज को यूज कर रही हूं तो मैं उनको ंग इज न आएगा तो मैं बताती हूँ रिसर्च रिप्रोड्यूसिंग एनी वर्क फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग और रेप्लीकेशन बाई अ टीचर और अ प्यपल द कोर्स ऑफ टीचिंग एटसेक्ट्रा इट इज टू नो दैट कॉपी राइट एक्ट प्रोवाइड फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉपी राइट एक्ट है वो आपको सिविल भी सिविल कि आपको अगर लॉस <laughs> कि अगर आपको कोई लॉस और डैमेजेस लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हो आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी है किसी के अगेंस्ट तो आप वो भी कर सकते हो सो सिविल प्रेस क्रिमिनल का ऑप्शन आप सभी के पास होता है अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपी अगर किसी भी कॉपी को कोई क्या करता है वॉयलेट करता है इन्फ्रिंज करता है लॉयल्टी भी नहीं कह सकते एक्चुअली uh, जैसे uh, बिब्लोग्राफी बि तो एक छोटा शब्द हो गया कि हम उनको क्या बोलते हैं मेंशन uh, करते हैं कि ये चीज हमने यहां से ली है बट हमारे रिसर्च वर्क में उसका वर्ड कुछ और है, I'm forgetting that word. कई बार आपको याद नहीं आता ना बट चलो कोई बात नहीं चलो जी नाउ आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज तो कॉपीराइट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया फिर पेटेंट्स स्टार्ट करते हैं जल्दी बताइए कॉपीराइट के बारे में समझ में आ गया सबको कमेंट सेक्शन में लिखिए सो so, अब हम बात करने वाले हैं पेटेंट्स के बारे में कोई बात नहीं थोड़ी सी शुरुआत करेंगे पेटेंट्स के बारे में तो पेटेंट्स क्या होता है हमने कॉपीराइट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और ये भी एक आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है पेटेंट्स और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चलिए तो आगे चलते हैं पेटेंट्स के बारे में अब पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटिंग फॉर इन्वेंशन और इनोवेशन विच माइट बी अ प्रोडक्ट मेथड और अ प्रोसेस

ऐसी ऐसी वॉचेज आती है जी, जी शॉक कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स कि जहाँ पर हमें क्या मिला कि वो उनका एक्सक्लूसिव उन्होंने इन्वेंट किया उन्होंने इनोवेशन की मार्केट इंडस्ट्री के अंदर और उन्होंने कुछ नया लेकर आए जिसके ऊपर पूरे पूरे राइट्स उनके पास है कोई प्रोडक्ट कोई मेथड कोई प्रोसेस वो लेकर आए या तो वो प्रोडक्ट लेकर आए है, है ना या प्रोसेस लेकर आए राइट या फिर मेथड लेकर आए न्यू अना यूजफुल आर्टिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग आर्टिकल कोई एक नया आर्टिकल ले आए नया डिजाइन ले आए नया डिजाइन ले आए कोई एक नया आर्टिकल आर्टिकल मीन्स एनी आम आर्टिकल यूज़ करते हैं जैसे ये नया आर्टिकल आया है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट कोई नए डिज़ाइन ऐसे हम यूज कर दुकान वाले को सुना होगा आपने ये बात बोलते हुए तो कोई न्यू बना दिया या एग्जिस्टिंग कोई इम्प्रूव कर दिया या कर कोई नया तरीका कर दिया ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल आर्टिकल मतलब कोई भी चीज़ हो गई कोई भी चीज़ समझ लीजिए जूता चप्पल गारमेंट कुछ भी हो सकता है कोई बैग हैंड बैग एनीथिंग कोई और वॉच एनीथिंग ठीक है या नया तरीका उन्होंने कर दिया तो ये उसका करवाएंगे क्या पेटेंट कराएंगे उसका क्या पेटेंट कराएंगे अब अब पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन हैविंग इंडस्ट्रियल जिनका कमर्शियल वैल्यू है जिनकी क्या है कमर्शियल वैल्यू है अब फॉर एग्जांपल हम गाना दुकान पे तो जाके खरीदेंगे नहीं बेचेंगे नहीं कि ये लो मेरा गाना ले लो सौ रुपए का मेरा गाना ले लो सौ रुपये का मेरा गाना ले लो नहीं ना ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दुकानों पर मिल जाएंगी दिख जाएंगी खरीद पाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी चीज़ें ऑल वी टॉक अबाउट दी ऑल कोई भी जिसका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़ हो सकता है इंडस्ट्रियल कि मैंने एक सिलाई सेंटर खोल दिया मैंने बहुत सारी सिलाई खोल सिलाई uh, का इंस्टीट्यूट खोल दिया तो वो मेरा इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया कि अब मैं बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म ब्रांड्स uh, के लिए कपड़े सील के दे रही हूँ इंडस्ट्री हो गई हमारी कमर्शियल मैं बेच रही हूँ कोई डिज़ाइन इट एन एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्यूफैक्चर न्यू आर्टिकल और मैनुफैक्चर द आर्टिकल विद द इन्वेंटेड प्रोसेस कि अब जो इन्वेंटेड या तो प्रोसेस किया या मैथड किया या प्रोडक्ट किया उसको अब मैं क्या कर सकती हूँ उसको यूज़ कर रही हूँ एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यूजली ट्वेंटी ईयर्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन तो ये कब तक के लिए होता है फॉर ट्वेंटी ईयर्स अब आप सभी सोचते होंगे कि मैम uh, ऐसे तो सारे ब्रांड्स की कॉपी आ जाती है हम देखते हैं रिबॉक की आ जाती है प्यूमा की पोमा आ जाती है है ना हल्का फुल्का नेम चेंज करके वो रख लेते हैं या उनकी सेकेंड नंबर कॉपी आ जाती है कहीं कभी देखा है उनका सेकंड क्या बोलते हैं कॉपी सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी सुना है ना तो वो क्या है क्योंकि इन लोगों के बीस साल बीस बीस साल के बाद उनको रिन्यू कराना पड़ता है रिन्यू कराना पड़ता है जो कंपनी रिन्यू कराने से फेल हो जाती है मार्केट उसकी क्या कर सकती है उनकी वो मोनोपली ब्रांड तो बना ही हुआ है ब्रांड तो बना हुआ है ब्रांड अब इतना बड़ा है कि मोनोपली उनकी हिल नहीं सकती लेकिन उनके ड्यूब्स आ जाते हैं उनके क्या आ जाते हैं ड्यूब्स आ सकते हैं उनके मतलब डुप्लीकेट ड्यूब्स का मतलब क्या होता है डुप्लीकेट आ सकते हैं है ना तो इसीलिए अब क्योंकि इसका पैसा बहुत होता है बहुत पैसा अब इतना तो आदमी कमाता नहीं है इतने में क्या हो जाएगा वो कर देगा अब इतने बड़े बड़े डिज़ाइन हैं उनकी बारीकी बारीकी उसे तो ध्यान नहीं देगा लोग करते हैं कॉपी इसीलिए कंपनीज क्या करती है कंपटीशन इतना है मार्केट में पेटेंट नहीं करा पाती नहीं कराती तो उनके ड्यूब्स आते हैं है ना ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं विद द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ट्वेंटी ईयर्स फ्रॉम द डेट एप्लीकेशन इन एक्सचेंज फॉर डिस्क्लोजर फॉर द इन्वेंशन चाहे एक्सचेंज करे डिस्क्लोजर करे उस इन्वेंशन का अ पेटेंट ओनर कैन सेल हिज पेटेंट और ग्रांट लाइसेंस टू अर्डर अदर टू एक्सप्लॉयड द सेम तो क्या हो सकता है कि जो पेटेंट ओनर होता है वो सेल करता है अथॉरिटी देता है किसी और को वही काम करने की अब मेरा ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रांड है प्यूमा मेरा ब्रांड है मान लो चलो है नहीं मान लो अब मैंने फ्रेंचाइजी खोलने के लिए मल्टीपल देशों में जगहों पर मार्केट्स पे दिया हुआ है क्योंकि मैंने ये दिया है उनको अथॉरिटी दी है मेरा ब्रांड है ना आई एम गिविंग अथॉरिटी टू ओपन माय शोरूम अंडर एनी एरिया जहाँ पे भी मैं खोलना चाहती हूँ है ना प्रीति मैम आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो अप्रॉक्स सिक्स आवर्स इसका सवाल का जवाब एनर्जी लानी पड़ती है बहुत बार खत्म हो जाती है है री है बट ऐसे करनी पड़ती ठीक जी हाय आज मुझसे सब कितना प्यार कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चलो नो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इन्वेंशन का अब गाइज मैंने कोई बकवास सी चीज इन्वेंट कर दी है मैंने कोई बकवास सी चीज़ इन्वेंट कर दी इसको कोई यूज़ नहीं है मैं इसको पेटेंट कराने जा रही हूँ तो क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना कि जिस चीज़ को हम पेटेंट करा रहे हैं नंबर वन इट शुड बी द नावल नावल एज एन न्यू आप कह सकते हो और or आप कह सकते हो ओरिजिनल आप कह सकते हो इट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप्स एंड मस्ट नॉन ऑब्वियस कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है यार ये तो ऑब्वियस है कई बार शार्क टैंक कौन कौन देखता था शार्क टैंक के अंदर तो वो शार्क कहते थे ना यार ये कौन खरीदेगा दिस इज सो ऑब्वियस इसको कोई नहीं खरीदने वाला है, है ना ठीक है uh... प्रीति लेती मैम आप नोट्स भी प्रिपेयर करती होंगे और आप कुछ अपनी फैमिली को भी टाइम एग्जैक्टली ये नोट्स मैंने आप मानोगे मतलब मैं रात को बैठी हुई थी एंड आई एम जस्ट टाइपिंग एंड जस्ट हैविंग ऑल सच नोट्स की कुछ ईजी चीज़ें मिल जाए आज ना मैं आपको मैं मेरा बैग ना उधर रखा हुआ है कहीं और मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में ना आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो क्यों मैं आपको नहीं भेजती वो भी दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में जो हमारी पाँच से छः वाली क्लास होगी राइट ठीक है अच्छा मतलब करते है आज मैं नोट करी हूँ मैं डेली नोट करती हूँ अच्छा ओके ओके चलो चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड नेक्स्ट इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अब ऐसा नहीं कोई चीज़ मैंने बना के रख ली उसकी कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए कुछ यूज़ होना चाहिए उसका कुछ क्या होना चाहिए इस्तेमाल होना चाहिए अब मैंने बना के रख ली कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का है ना इस्तेमाल होना चाहिए आजकल आप देख रहे हो कितने क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे कितने स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योअर्स हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए इन कुछ नई नई चीज़ मार्केट के अंदर लेकर आए कुछ नई नई क्रिएटिविटी लेकर आए है ना तो ये सारी चीज़ें हैं ओके okay? सो so, ये हमने पढ़ा अबाउट द पेटेंट्स अब एक वट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज गिवन टू द पेटेंट्स जब कोई अपना पेटेंट करा लेता है तो उसकी क्या वो होती है मतलब किस तरीके की प्रोटेक्शन उनको मिलती है नंबर वन जो पेटेंट का ओनर होता है उसके पास उसके एक्सक्लूसिव राइट right होते हैं एक्सक्लूसिव कोई और यूज़ नहीं कर सकता जिस हिसाब से वो यूज़ कर सकता है उसका सारा रेवेन्यू उसका सारा जो भी है वो लेगा क्रेडिट उसकी क्रेडिबिलिटी होगी एंड टू प्रिवेंट अदर्स दूसरों को रोकता है कि वो कमर्शियली एक्सप्लॉयट ना कर सके पेटेंटेड इन्वेंशन को मान लो आपने एक चीज़ बनाई जिसका पेटेंट कराया और मैंने भी उसको यूज़ कर लिया तो भाई मैं लंबा चौड़ा आपको हिसाब और डैमेजेस देना पड़ जाएगा क्योंकि आपने बिना अथॉरिटी के मैंने यूज कर लिया किसी का भी कोई प्रोडक्ट किसी का भी कोई पेटेंट ठीक है एंड थर्ड पार्टीज प्रिवेंटेड जो तीसरी खुराफाती पार्टी होती है जो चोरी का सोचती हैं कि यार मेहनत दूसरे ने करी और हम उसका काम कर लेते हैं थर्ड पार्टीज आर प्रिवेंटेड कि वो मैन्युफैक्चर ना कर सके यूज़ ना कर सके डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके बेच ना सके उस पेटेंटेड जो भी पेटेंटेड इन्वेंशन है देखो लिखा हुआ इन्वेंशन या प्रोडक्ट को विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर बिना उसकी कंसेंट के बिना उसकी विल के बिना उसकी कंसेंट के उसको यूज़ ना कर सके राइट right? चलिए चलिए। आगे आगे देखते हैं। हैं से हमने 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 करना है, तो चलिये. तो हम बात, हमने, हम बात 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 कर रहे थे के 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 बारे में. हमने copyright के बारे में। में करी और अब second stage, that is the patents. आगे चलते ऊपर कि ये पेटेंट्स क्या होते हैं यहाँ तक भी मैंने आपको स्टार्ट करा दिया था अब पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इंटरवेंशन एंड इनोवेशन अगर कोई आपने इन्वेंशन की है कोई इनोवेशन की है तो उसके लिए आप अपने उसमें पेटेंट मांग सकते हैं आप कहते हैं ना मेरे नोट्स कैसे हो? होते हैं जो मैं आपको वही नहीं दिखाती ये सिंगल पेजेस नोट्स होते हैं जिसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं इफ़ मैं अगर आपको दिखा सकूं देखो ऐसे ऐसे मेरे टेबल्स होते हैं और मैंने इनको क्या किया हुआ है इसे लेमिनेट कराया हुआ है क्योंकि ये वन पेज के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर मैं कर देती हूँ ये देखो ये मेरी बचपन से याद आता है इस तरीके के नोट्स बनाने की आगे बात करूँ तो ये मेरे हाथ में होते हैं ये देखो इस तरीके के नोट्स मेरे हाथ में होते हैं अगर ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहे हैं तो ये ऐसे होते हैं कि जिससे मैं अपने नोट्स बनाती हूँ तो जैसे कि अगर आसान भाषा में लिखूँ तो मैंने अपने सारे नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं दोबारा से रिफ्रेश कीजिए स्क्रीन दिख जाएगी तो हम बात करते हैं पेटेंट इट रेफर्स टू अ ग्रांट ऑफ सम प्रिविलेज क्या है पेटेंट किसी को दे देना पेटेंट एक्ट क्या प्रोवाइड करता है कि हमने आपके काम के ऊपर आपने इन्वेंशन करी आपने इनोवेशन करी आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या दे दिया है आपको एक पेटेंट ग्रांट कर दिया है दैट मीन्स एक प्रिवलेज दे दिया है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर और अब इस चीज़ पर आपकी अथॉरिटी है मेड बाय द गवर्नमेंट और ये जो पेटेंट दिया वो सरकार द्वारा दिया गया पूरी पूरा प्रोसीजर है पेटेंट एक्ट का पेटेंट किस तरीके से ग्रांट होगा देर आर फॉर्मेलिटी सारी चीजें है कैसे आप अप्लाई करेंगे और द सॉफर ऑफ द कंट्री टू वन और मोर इंडिविजुअल्स द इंस्ट्रूमेंट बाई विच ग्रांट इज मेड उसे हम पेटेंट कहते हैं कि आपकी इनोवेशन आपकी इन्वेंशन को क्या दे दिया है? हमने पेटेंट दे दिया है ठीक है अब जिस व्यक्ति को हम पेटेंट देते हैं कुछ नई चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम जिस व्यक्ति को पेटेंट दे देते हैं मान लीजिए मैंने कोई चीज इन्वेंट करी इनोवेट करी और मुझे मैंने पेटेंट के लिए अब अप्लाई किया तो मुझे पेटेंट मिल गया है तो मुझे क्या बोलेंगे पेटेंटी, हु पेटेंट द पेटेंट हु इज हैविंग द अथॉरिटी ऑफ पेटेंट ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंशन पर्टिकुलर थिंग

इस कंट्रोलर ने पेटेंटी को किसको दिया पेटेंट इन्वेंटर को दिया जिसने इन्वेंट किया है और पेटेंट लेने के बाद वो क्या बन गया पेटेंटी बन गया कंट्रोलर इन्वेंटर फॉर द पीरियड ऑफ ट्वेंटी इयर्स बीस साल के लिए पेटेंट क्या देगा जिसकी टाइम लिमिट है वो ट्वेंटी इयर्स बीस साल के लिए इसको क्या दे देगा पेटेंट दे देगा उसके बाद उसको रिन्यू कराना होगा एंड देर आर दर्दर फॉर्मेलिटीज विच हैजू बी डन ऑब्जेक्ट क्या है पेटेंट क्यों दिया जाता है क्या ऑब्जेक्ट है द पेटेंट लॉ रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्क ये जो कार्य है ये जो इन्वेंशन है ये आपने की गई है इसको रिकोगनाइज कर रहा है इसको एग्जिस्टेंस करवा रहा है और एक एक्सक्लूसिव राइट right दे रहा है किसको इन्वेंटर को जिसने बनाया है उसको क्या दे रहा है एक एक्सक्लूसिव राइट right दे रहा है कि वो उससे कमर्शियल एडवांटेज को गेन कर सके पेटेंटी क्या कर सके कमर्शियल एडवांटेज कमर्शियल एडवांटेज को गेन कर सके बेसिकली इनकम जनरेट करे प्रॉफिट कमाए गेन करे प्रॉफिट जो भी है उससे कमा सके और रिकॉग्नाइज हो सके ठीक है उसकी तारीफ अगर किसी चीज़ ने किसी बंदे ने कोई चीज़ इन्वेंट करी है मे बी कमर्शियल पर्पस ना हो मॉरल पर्पस हो तो उसकी रिकॉग्निशन हो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेन अ कमर्शियल एडवांटेज थ्रू हिज इन्वेंशन जो भी उसने इन्वेंट किया है दिस इज़ टू इनकरेज ये इन्वेंटर को क्या करता है साथ साथ पेटेंटी को इंकरेज भी करता है कि और लोगों को भी इंकरेज करता है कि यहाँ पर उसकी भी रिकोगनीशन हो कि यार ये देखो ये चीज़ मैंने बनाई ये चीज़ मैंने इन्वेंट करी है ठीक है इन्वेंट टू इन्वेस्ट द क्रिएटिविटी जो उनकी क्रिएटिविटी है जो उनकी इंटेलिजेंसट है काबिलियत है उसको और आगे वो अच्छे तरीके से उपयोग करे और ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आता रहे ठीक है उसको सिक्योरिटी मिल जाती है एंड उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है सो so ये हमने एक ब्रीफ थोड़ा सा पढ़ा किसके बारे में पेटेंट के बारे में चलिए ये हमने कर लिया था अ न्यू यूजफुल आर्टिकल आर्टिकल कोई नया बनाया है कोई नई चीज बनाई है फिर या तो कोई एग्जिस्टिंग आर्टिकल था उसको इम्प्रूव किया उसको और सिंप्लीफाई किया उसको और ईज किया है इसके लिए और न्यू प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोई प्रोसेस बना दिया है कोई तरीका बना दिया है आर्टिकल एग्जिस्टिंग आर्टिकल है लेकिन उसका तरीका अलग कर दिया फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं जमीन को बोते हैं उसको इरिगेट एरि, करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अगर कोई प्रोसेस बना दे कोई ऐसी मशीनरी ले आए कि जो बहुत आसानी से किसानों के काम को कर दे तो काम तो वो वही हो रहा है लेकिन उसने प्रोसेस अलग कर दिया तो उसने एक मशीनरी ऐसे डेवलप कर दी इन्वेंट कर दी सो so, ये क्या हो गया प्रोसेस का पार्ट हो गया गॉट दिस पॉइंट उसके बाद अब पेटेंट इज ग्रांटेड ये सब हमने बात कर ली थी इंडस्ट्री उसके बाद क्या है क्राइटेरिया क्या है क्राइटेरिया क्या है पेटेंटेबिलिटी का ऑफ़ एन इन्वेंशन नंबर वन इट शुड बी नोवल न्यू होना चाहिए यूनिक होना चाहिए ऐसा नहीं कि ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं और आप मार्केट में कुछ सिमिलर चीज़ को लेकर आ रहे हो और उसका पेटेंट मांग रहे हो तो ऐसा नहीं शुड भी वेरी न्यू कुछ नोवेट होना चाहिए कुछ न्यू होना चाहिए एंड ये भी हमने कल किया uh, किया था इट शुड हैव स्टेप्स और इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस कोई नॉन ऑब्वियस चीज़ होनी चाहिए ऐसा नहीं कि अगर मैंने एक uh, कुछ नॉर्मल सी चीज इन्वेंट कर दी और ये तो ऑब्वियस है यार ये तो ना भी इन्वेंट करती तब भी हो जाता काम सो इट शुड बी नॉन ऑब्वियस चीज़ ठीक है होनी चाहिए एंड इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसकी कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होनी चाहिए ये हमने पढ़ा अब किस तरीके की प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं अ पेटेंट ओनर प्रोसेस दैट एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स कि उसका कोई भी कोई थर्ड पर्सन कोई सेकंड पर्सन उसका मिसयूज़ कर ले उसको प्रिवेंट कर सके कि उसको कमर्शियली कोई उसकी इन्वेंशन को एक्सप्लॉयट ना करे अगर वो पेटेंट नहीं कराएगा तो दुनिया खड़ी हो जाएगी कि ये चीज़ तो हमने बनाई है हमारे द्वारा की गई है सो अगर उसका पेटेंट रजिस्टर होगा तो ये क्या है वो उसी का ही होगा और उसके कमर्शियल बेनिफिट्स केवल वही ऑथर वो पेटेंट ही ले सकता है राइट right? आगे चलते हैं थर्ड पार्टीज आर प्रिवेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करेगा कि वो सेम सिमिलर से चीज जो उसने इन्वेंट की है उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करे यूज़ करे डिस्ट्रीब्यूट करे सेल करे और पेटेंटेड इन्वेंशन प्रोडक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर तो ये भी हमने पढ़ा आगे चलते हैं थोड़ी सी चीज़ों के बारे में कि पेटेंट लॉ क्या है हमारे भारत देश के अंदर जैसे कि हम गवर्न होते हैं द पेटेंट्स एक्ट 1970 व्हेन वी रीड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आप इसमें कोई अपनी पीएचडी करते हो या फिर आप अपनी एलएलएम करते हो तो कुछ रिसर्च करना चाहते हो दैट यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम ऑल दीज एक्ट्स ट्रेडमार्क एक्ट कॉपीराइट राइट एक्ट पेटेंट एक्ट और डिजाइनिंग एक्ट लेकिन जब हम ओवरऑल आई पढ़ते हैं तो हम इन एक्ट्स की बहुत एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही निकालते हैं लाइक वॉट इज दिस पेटेंट प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फॉर्मेलिटीज ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं and violation

ठीक है, राइट नहीं इसका अलग आता है इसका अलग आता है इनका अलग आता है बट लेके जाने की जरूरत नहीं है बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आप आईपीआर के क्वेश्चंस देखें तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसी में से ही क्वेश्चंस हिट होंगे अदरवाइज कोई बहुत डिटेलिंग में नहीं आते क्वेश्चंस ठीक है अब आगे चलते हैं उसके बाद द प्रोसीजर ऑप्टेनिंग द पेटेंट राइट फ्रॉम फाइलिंग द एप्लीकेशन पहले एप्लीकेशन को फाइल करेंगे भैया मुझे मेरे इन्वेंशन है इसका मुझे पेटेंट चाहिए मुझे पेटेंट ग्रांट किया जाए फिर उसके बाद ये जो एक्ट है वो वो भी प्रोविजन बताता है कि पेटेंटी के जिसके पास पेटेंट मिल गया है उसके क्या ड्यूटीज़ हैं ऑब्लीगेशन है उसके क्या अधिकार हैं ये भी ये पेटेंट एक्ट सबको बताता है टर्म ऑफ पेटेंट कितने साल के लिए है जैसे हमें एक बेसिक तो पता ही है कि बीस साल के लिए

सरेंडर करना पड़ेगा पेटेंट भी सरेंडर करना पड़ेगा रिवोक करना पड़ेगा वापस लेना होगा या वापस रिस्टोर करना होगा अगर आपके पेटेंट की कोई वॉयलेशन कर देता है इन्फ्रेंजमेंट कर देता है और आपके पास क्या क्या रास्ते हैं अगर आपके साथ इनमें से कोई भी घटना होती है तो व्हाट आर द रेमेडीज प्रोवाइडेड वो सारी चीज़ें आपको इस पेटेंट एक्ट नाइनटीन के अंदर मिल जाएंगी उसके बाद द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 20 साल एंड आफ्टर द टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन गोज टू द पब्लिक डोमेन फिर उसके बाद अगर आपने 20 साल तक इसे रिन्यू रिस्टोर नहीं करवाया तो ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तभी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों के ड्यूब्स कॉपीज फर्स्ट कॉपी हमें देखने को मिलती है बिकॉज इनके पेटेंट क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन ब्रांड नेम कुछ इतने बड़े होते हैं कि हम उनको नी ब्रांड से जानते हैं उसको इसी तरीके से कंसीडर भी करते हैं राइट right? यहाँ तक क्लियर हुआ आगे सेक्शन थ्री इस एक्ट का क्या बता, बताता है कि कौन सी ऐसी इन्वेंशन है जो कि नॉन पेटेंटेबल है कौन सी ऐसी इन्वेंशन है जिनके ऊपर पेटेंट नहीं मिलेगा फॉर विच नो पेटेंट कुड बी ग्रांटेड और सेक्शन फोर कौन से हैं कि द इन्वेंशन रिलेटिंग टू कोई ऐसी एनर्जी आपने बना दी ऑटोमिक एनर्जी आर ऑल्सो डिक्लेय एज नॉन पेटेंटेबल यानी कि थ्री और चार के अंदर हमें नो no वाली पता चलेंगी कि ये ये चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करवा सकते हैं सो so, एक्सक्लूजन्स हमें पता चलेंगे बेसिकली क्या हमें पता चलेंगे एक्सक्लूजन्स कि पेटेंट के अंदर क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं It is worth mentioning that earlier no product patent could be granted for medicine. is चीज़ का नहीं मिलेगा। the Medicine के लिए, food items के लिए, chemicals के लिए only the process of manufacturing of medicines, food items, chemicals could be patented. तो इनके ऊपर patented नहीं होगा। इनका जो प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस के द्वारा ये करे जा रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको पेटेंट किया जाएगा। अब यहाँ आपको दिवाई फूड आइटम्स पे क्या देखने को मिलता है पेटेंट्स के अलावा यहाँ पे आप क्या देखते हैं मैंने कल आपको दिखाया था एक बिस्किट का पैकेट तो आपने वो क्या देखा था क्या वो पेटेंट्स थे फूड आइटम्स पे देखा मेडिसिन पे लिखा होता है नाम कोई ब्रांड लिखा होता है तो वो क्या होगा कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से एंड केमिकल्स कुड बी पेटेंटेड हाउ एवर द आफ्टर द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोडक्ट पेटेंट्स कैन बी इश्यूड फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पेटेंट मिल सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं मिलता है उनमें क्या मिलता है चलो भाई चले देखती हूँ मैं किस किस ने कमेंट किया है वेरी गुड नो 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 कोई बोल रहा है कॉपीराइट, कोई बोल रहा है ट्रेडमार्क। चलिए मैं बताऊंगी आपको वो क्या चीज होती है चलो अब मान लो एक पेटेंट का आखिरी टॉपिक कोई पेटेंट को वॉयलेट कर देता है मान लो मेरे पास इस प्रोसेस का इस आ, तो का मेरे पास पेटेंट है और वो किसी और ने भी कॉपी कर लिया कोई और भी इसी तरीके से कर रहा है विदाउट गिविंग मी एनी उसकी कोई भी चीज़ दिए बिना अथॉरिटी लिए बिना तो कोई भी अगर वॉयलेशन होता है ऑफ द राइट्स ऑफ पेटेंटी ठीक है कोई भी उसके राइट को वॉयलेट करता है जो पेटेंटी के अधिकार है उसने पेटेंट फी भरी है पेटेंट खरीदा है तो कॉन्स्टिट्यूट उसको माना जाएगा पेटेंट का एनफ्रेंचमेंट यानी कि वॉयलेशन सच एज कलरेबल इमिटेशन ऑफ योर इन्वेंशन एंड टेकिंग ऑफ असेंशियल फीचर्स ऑफ़ योर इन्वेंशन मान लो ये सेम चीज़ इन्वेंट की है इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा ऐसा कर दिया ठीक है कुछ ऐसा कर दिया सेम चीज़ है लेकिन कलर थोड़ा सा रिमार्क्स अलग अलग चीज चीज़ें चेंज कर दी है वही चीज़ लेकिन डिफरेंट तरीके से मार्केट में उतार दी तो ये सारी चीज़ें हैं है ना एंड अंडर पेटेंट एक्ट सेक्शन सेक्शन 47 एंड वन जीरो ए प्रोवाइड फॉर द एक्ट दैट शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज दिनमेंट तो यहाँ पर हमें कुछ वॉयेशन के बारे में दिया और कुछ चीज़ें सेक्शन 47 और वन ए के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि कौन सी चीज़ें कौन सी एक्टिविटी वायलेशन में नहीं आएगी कौन सी एक्टिविटी इन्फ्रेंचमेंट में नहीं आएगी तो ये भी हमें बताया गया है फॉर एग्जाम्पल अगर द इम्पोर्ट ऑफ एनी मशीन और अदर आर्टिकल्स बाय ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑल द मैन्यूफैक्चरिंग और यूज़ ऑफ पेटेंटेड प्रोसेस और ऑन बिहाफ ऑफ बाई गवर्नमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द पेटेंट इन्फ्रिंचमेंट अगर आपकी किसी भी टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इनोवेशन को सरकार कहीं भेजती है यूज़ करती है तो वो पेटेंट वोलेशन में नहीं आएगा क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई भी चीज़ इन्वेंट करो अपने पर्पज सेल्फ इंडिविजुअल पर्पज के लिए तो नहीं करे किसी सोसाइटियल ओवरऑल वर्ल्ड लार्ज के पर्पज के लिए कर रहे हैं तभी तो आप पेटेंट ले रहे हैं कि कोई और अगर मैंने कोई चीज़ खुद से इन्वेंट किया है और मैं ही यूज़ करी हूँ तो क्या जरूरत है पेटेंट लेने की वो अकेला मेरे पास है नो बडी कैन कॉपी दैट बट अगर आप किसी सोशल पर्पज के लिए वर्ल्ड एट लार्ज पर्पज के लिए कोई चीज इन्वेंट कर रहे हैं तो इट मस्ट बीट इट मस्ट बी देर आर चांसेस कि और लोग इसका पेटेंट वॉल्यूशन करें बट सरकार इसके अंदर या गवर्नमेंट चीज का यूज करती है तो वो वॉयलेशन और इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आता राजा राम आप अपनी क्लास को एक बार रिफ्रेश करो क्योंकि मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है यहां से ठीक है आगे चलते हैं द वेरियस रेमेडीज क्या क्या रेमेडीज मिलेगी मान लो किसी ने अपने आपके पेटेंट को क्या कर दिया आपके पेटेंट को वॉयलेट कर दिया और इंफ्रिंज कर दिया वॉयलेट कर दिया सो so, तो क्या रेमेडीज है पहला इंजंक्शन इंजंक्शन मतलब क्या लगा देंगे स्टे लगा देंगे रोक देंगे क्या देंगे रोक देंगे सबसे सबसे पहली चीज मेरी चीज को आप यूज कर रहे हो मैं उसकी रेमेडी के लिए गई तो वहाँ पे पहला ऑर्डर क्या दे दिया गया इंजंक्शन का दे दिया गया कि जो थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है ऐसे प्रोडक्ट को जो कि पेटेंटेड है और विदाउट वे 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 अथॉरिटी कर रही है तो सबसे पहले तो आप उसका यूज़ करना बंद कीजिए इंजंक्शन लगा देंगे स्टे ऑर्डर लगा देंगे ईजी तो उसके बाद उसने उससे जो भी प्रॉफिट अर्न कर लिया जो भी प्रॉफिट अर्न कर लिया उसके क्या ले लेंगे डैमेजेस लेंगे उस पेटेंटेड प्रोडक्ट से उसने क्या कर लिया कोई भी प्रॉफिट ले लिया तो उससे क्या ले लेंगे जो भी डैमेजेस के तौर पर अपने क्या ले लेंगे हम लोग प्रॉफिट्स ले लेंगे जो हमारी चीजों से या हमारे प्रोडक्ट को यूज करके उसने क्या कर लिया यूज कर लिया उसके बाद अब और या तो उसकी वापस डिलीवरी देगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा जो उसने इनफ्रेंजमेंट गुड से कुछ कमाया या यूज किया, या किया उसके पास था जिसकी उसके पास क्या थी कस्टडी थी एंड लास्ट सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी पूछेंगे कि क्या वैलिडिटी है किस तरीके से वो चीज हम पूछेंगे उससे और आगे अपनी रेमेडीज को सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ तक क्लियर है एवरी वन पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज ये क्लियर है ये सुनो बताइए एक बार सभी लोग ओके ओके एक मैं डिफरेंशिएशन भी कराऊंगी आपको वो थोड़े टाइम बात कराऊंगी अब लास्ट टॉपिक की किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है पेटेंट का क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो नंबर वन पेटेंट रजिस्ट्रेशन इंश्योर्स द कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ योर पेटेंट एंड इन्वेंशन अगेंस्ट द अनऑथोराइज यूज ऑफ अनऑथोराइज यूज ऑफ पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स तो वो कितना होगा बीस साल के लिए ये जो बेनिफिट है आपने पेटेंट बीस साल के लिए आपके प्रोडक्ट को कोई हिला नहीं सकता छेड़ नहीं सकता अपनी तरफ से यूज नहीं कर सकता बिना अथॉरिटी के तो ये एक सिक्योरिटी है एक सिक्योरिटी पर्पस है प्रोटेक्शन दे रहा है ना ये बेनिफिट है आपकी प्रोडक्ट को आपकी इन्वेंशन आपकी इनोवेशन को क्या दे रहा है क्या दे रहा है प्रोटेक्शन दे रहा है सेकेंड पेटेंट रजिस्ट्रेशन अलाउस यू टू एंजॉय मोनोपली मोनोपली यानी कि वो जो चीज आपने इन्वेंट करी है आप उसके आ, मालिक होंगे और एक मोनोपली की तरह आप उसको क्या रहेंगे क्या रहेंगे मार्केट एज रिगार्ड टू द इन्वेंशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन तो जब तक आपकी पेटेंट प्रोटेक्शन की सीमा चल रही है टाइम लिमिट चल रहा है तब तक आप उसके एक लॉते मालिक रहेंगे मोनोपली रहेगी आपकी पेटेंट रजिस्ट्रेशन कॉन्फोर्स एक्सक्लूसिव राइट उसके पास एक्सक्लूसिव राइट right होगा कि वो क्या करे अगर कोई भी उसके पेटेंट को या पेटेंटी को राइट right? उसके लाइसेंसी को या असाइनी को जिसको वो असाइन किया गया है अगर वो उसके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पर रिलीफ्स और रेमेडीज प्रोवाइड किए जाएंगे रिलीफ एंड रेमिडीज प्रोवाइड किए जाएंगे एंड लास्ट यू कैन लाइसेंस द पेटेंट एंड गेन रॉयल्टीज फॉर द सेम आपने जो बना दिया मान लो जो आपने इन्वेंशन कर दी ठीक है आपने इन्वेंशन कर दी आप उसका लाइसेंस लोगों को देख के उसकी रॉयल्टी का पैसा भी कमा सकते हैं बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर इन्वेंशन पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू यू मेड बाय यू सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम एंड टेक द रॉयल्टी चार्जेस करते हैं ना रॉयल्टी लेते रहते हैं so, सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं पेटेंट को करवाने के इज नॉट ऑल क्लियर नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रेड मार्क्स ट्रेड मार्क क्या है ट्रेड मार्क पहले बताइए पिछला समझ में आया पेटेंट के बेनिफिट्स पेटेंट के बारे में क्लियर हुआ बताइए सो so, ट्रेडमार्क क्या है वॉट इज दिस ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क क्या है अगर मैं बहुत इजी शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो पहली बात तो ट्रेडमार्क जो एक्ट है वो हमारा 1958 का एक्ट है ठीक है एसेंशियल चीजें मैं आपको यहीं पे लिखवा रही हूं तो ट्रेडमार्क क्या है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक क्या है एक विजुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आप उस चीज को देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है अगर मैं आज आपके सामने करूं ऐसे ये मैंने लगा दिया एक साइन ठीक है तो आप समझ जाएंगे किसका साइन है समझेंगे कि नहीं समझेंगे आईकी का साइन है विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि गुड्स के साथ अटैच्ड है विच इज अटैच्ड टू गुड्स जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं कपड़े खरीद रहे हैं मेकअप खरीद रहे हैं कोई फूड आइटम खरीद रहे हैं उसके साथ वो अटैच है उसके साथ वो लगी हुई है राइट right? और जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं विच जिसका पर्पस क्या है पर्पस क्या है पर्पस क्या है टू इंडिकेट टू इंडिकेट देयर ट्रेड देयर ट्रेड ट्रेड एज इन देयर नेम देयर ब्रांड anything, their देयर कंपनी उसको इंडिकेट कर रहे हैं फोन्स के पीछे ये सारी चीज़ें क्या हैं समझ में आ जाता है मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस करेक्ट करेक्ट जैसे कि मैं बात करती हूँ नाइकी की ठीक है और और बताइए एक दो एग्जांपल्स, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या क्या आप ट्रेडमार्क के उससे देखते हो ये चीज़ देखते ही ले ली अरे वाह इस ब्रांड ने ये भी निकाल दिया ऐसे हम बात करते हैं ना तो ऐसे रिनोन्ड ब्रांड्स ठीक है अब मैं आपके सामने क्या करूँ ये डाल दूँ समझ जाएंगे कौन सी गाड़ी है समझ जाएंगे ना कौन सी गाड़ी है ये तो मार्क ऑफ बिजनेस एग्जैक्टली चलिए अब यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं ट्रेडमार्क के बारे में तो यहाँ से हम आगे कर लेते हैं कर देगा। we have, चलो अगर मैं गर्ल्स की बातें करूँ वी कि ये है शुगर का ये है हुडा ब्यूटी का और ये है अर्थ पता चल जाता है उनकी कलर देख के उनका मार्क देख के डिजाइनिंग देख, देख के हमें पता चल जाता है जिस तरीके से वो क्रिएट करते हैं कि ये तो भाई इस ब्रांड का प्रोडक्ट है. है ना नायका राइट right? तो हम समझ जाते हैं तो ट्रेडमार्क इज अल इज यूज टू देती है लेकिन कलर से पहचान जाते हैं उसके अः अपियरेंस से पहचान जाते हैं कि ये कौन से ब्रांड की है कैसे कैसे क्योंकि क्या है उनका वो ट्रेडमार्क है उनका वो सिम्बल वहां पर लगा है उससे आपने पता कर लिया कि ये सिम्बल है एंड वन ऑफ द इंटरप्राइज फ्राम इट्स कॉम्पिटिटर्स उसके कॉम्पिटिटर से जो और लोग हैं सेम उनसे अलग कर देता है उनका वो एक सिम्बल उनका वो एक मार्क येस मैक मैक है न मैक जैसे पढ़ सकते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें हैं अब आगे चलते हैं ट्रेडमार्क में कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेटर कोई एक लेटर हो सकता है जैसे कि बहुत सारे हैं एक लेटर हो सकता है सिंगल अभी मैं किसका देख रही थी हाँ एक नया ब्रांड की आरा आडवाणी ने लॉन्च किया है उसका नाम टेरा है ऐसे करके उसका एक सिंबल वर्ड है या कोई सिंबल भी हो सकता है सिंबल जैसे किसी ने ऐसा बना दिया सिंबल हो गया आप समझ जाओगे कि ये है या कोई डिज़ाइन हो गया किसी ने ऐसा क्या करा हुआ है डिज़ाइन बनाया हुआ है तो आप समझ जाओगे ये क्या है या न्यूमर न्यूमरल्स हो गए नंबर्स हो गए नंबर्स हो गए एंड थ्री डायमेंशन सच एज शेप पैकेजिंग एंड ऑल उसकी शेप कैसी है आप समझ जाओगे कि ये जो शेप है ये इसी की आती है ये शेप है ये इस ब्रांड की आती है ये ये शेप है ये इस ब्रांड की आती है तो आप समझ जाएंगे उनकी शेप से पैकेजिंग से डिजाइनिंग से कलर कॉम्बिनेशन से समझ जाएंगे कि ये तो भाई ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग है ना समझ जाते हैं यस एग्जैक्टली सरफराज एडिडास ओयो समझ जाते हैं सेफोरा राइट बहुत अच्छे सही बात है है ना स्वर उसकी में वो फ्लेमिंगो बना हुआ है समझ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं ब्रांड के नाम उनकी चीज़ों से ही आप लोग समझ जाते हैं एच एन एम रेड कलर में स्पेलिंग में लिखा है समझ जाएंगे एच एन एम ब्रांड है गार्मेंट ब्रांड है समझ जाएंगे फॉर एवर ट्वेंटी वन तो आप समझ जाएंगे आप फॉर एवर ट्वेंटी वन में न्यूमरल्स भी है तो आप समझ जाते हैं महिंद्रा का बटरफ्लाई एग्जैक्टली तो सेक्शन टू जेड बी ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट नाइनटीन नाइन नाइन डिफाइन ट्रेडमार्क एज अ मार्क ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रेडमार्क वो है जो किसी किसी चीज़ चीज़ की की गुड गुड में कोई भी आ सकती है गारमेंट ये वो मेकअप फलाना वंडर शेफ ये वो किचन कुछ भी कुछ भी आ सकता है उनकी एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है और विच बी यूज टू डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोस्त टू अदर्स दूसरों से अलग करने के लिए अ ट्रेडमार्क में इंक्लूड द शेप उसकी शेप कर सकती है उसकी पैकेजिंग उसका कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स वो किसी भी तरीके से अलग है हॉलमार्क है ट्रेडमार्क है तो उससे पता चल जाएगा पीपी -पी जूलर्स ये वाला जूलर्स पता चल जाएगा उनका क्या ट्रेडमार्क है उनका किस तरीके से है आपको पॉलीबैग्स में पता चल जाएंगे कि पॉलीबैग्स में क्या लिखा है उनके फॉन्ट से राइटिंग से पता चल जाएगा

UC और ऐसे ब्लैक में लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे अर्बन क्लैब क्या काम करती है है ना तो सर्विसेज भी हो सकती है कोई गुड्स भी हो सकते हैं उन सभी का ट्रेडमार्क हो जाएगा ठीक है जी अब जरूरत क्या है ट्रेडमार्क की वॉट इज द रिक्वायरमेंट जरूरत क्या है क्यों जरूरत थी हमें द एसोसिएटेड विद गुड कम्स टू रेपुटेशन उसकी रेपुटेशन बताएगी जो ब्रांड जितना बड़ा होगा उसका मार्क उतना ही फेमस हो जाएगा उसका मार्क उतना फेमस हो जाएगा आप समझ जाएंगे उसके मार्क को देखते ही क्या है तो उसकी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए उसकी गुडविल बिल्ड करने के लिए कई बार लोग ब्रांड बना के बेच देते हैं गुडविल तो गुडविल क्रिएट हो जाएगी यस एग्जैक्टली गुडविल करने के लिए एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जहाँ पर क्वालिटी लिखी होगी क्वालिटी पता चल जाएगी अरे वाह इस ब्रांड का सामान तो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है कपड़े बहुत अच्छे निकलते हैं अरे इस ब्रांड का मेकअप बहुत अच्छा है इसकी लिपस्टिक का स्टे बहुत अच्छा है ये फूड आइटम ये बहुत ओरिजिनल फूड आइटम बनाते हैं कुछ आप सभी को ऐसे आ, जैसे पिटू टिक्की वाला है बिकनेर है बड़े बड़े ब्रांड हो गए हैं है ना नाम से पता चल जाता है कि बिकनेर की मिठाई खाओ अग्रवाल की मिठाई खाओ ऐसे होता है ना है ना ये वाली खाओ मिठाई इनकी तो देसी घी की होती है तो आपको पता चल जाता है जैसे आप उसका नाम सुनेंगे उसकी कोई विजुअल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आपको समझ जाएगा कि यार अरे ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कई बार आप देखेंगे अरे इतना गंदा डब्बा लेकर आए इस ब्रांड का सस्ता सा लाए होंगे अच्छा भी नहीं होता कैसे समझे क्योंकि उस ब्रांड पर्टिकुलर ट्रेडमार्क ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई हुई है मार्केट के अंदर हल्दीराम्स कल्याण जूलर्स वेरी गुड राइट तो ये कुछ नीड रही हमारे किसकी ट्रेडमार्क की

चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंड द ओनर हैज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देयर आर 45 क्लासेस ऑफ द ट्रेडमार्क कंसिस्टिंग 34 क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड 11 क्लासेस ऑफ सर्विसेज जब ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के लिए जाते हैं या ट्रेडमार्क चुनना होता है तो उसकी कुछ क्लासेस है चौंतीस क्लासेस अगर किसी प्रोडक्ट पे ट्रेडमार्क लेते हैं और ग्यारह क्लासेस अगर किसी सर्विसेज पे ट्रेडमार्क लेना होता है तो अंडरस्टूड यहाँ तक क्लियर हुआ क्लियर हुआ अब आगे चलते हैं वॉट इज मतलब दिटी क्या थी नीड क्या थी वॉट इज द नीड फॉर ट्रेडमार्क क्या नीड थी पर्पज क्या था क्या फंक्शन है ट्रेडमार्क के चलिए आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं नंबर वन अ ट्रेडमार्क इज अ सिंबल दैट आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट एंड इट्स सोर्स क्या कर लेता है आइडेंटिफाई कर लेता है ये कौन सा प्रोडक्ट है उसका क्या सोर्स है ये भी पता कर लेता है जैसे मैंने अभी बताया कि यार इस ब्रांड की हल्दीराम्स की मिठाई बहुत अच्छी है क्योंकि देसी घी की हैं तो आपको उसकी क्वालिटी भी पता चल गई उसका सोर्स भी पता चल गया मेकिंग का ये किस तरीके से बनाते हैं और ये क्यों रे है स्पेशल क्यों है ये मिठाई कई बार आप महंगी चीज़ें भी लेते हैं क्योंकि इसीलिए क्योंकि यार ये ऑथेंटिक होगा ये केमिकल फ्री होगा फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ब्रांड ढूंढती हूँ जिसमें केमिकल्स ना हो ये ना हो पैराबिन फ्री हो इको फ्रेंडली हो कम्पैक हो तो किस लिए तो हम उनको ऐसे ताकि उन अपनी चॉइसिस के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स को ले सकें उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स द गुडिल ऑफ अ बिजनेस ऑब्वियसली गुडविल बता रहा है कि अरे वाह यार लोग शो ऑफ करते हैं गॉट दिस बैग गॉट दिस बैग फाइनली सॉरी फाइनली माई हैंड्स ऑन दिस बैग इंस्टाग्राम पे देखते हो ना कि मैंने गुच्ची का बैग खरीद लिया मैंने एल का बैग खरीद लिया तो उसकी गुडविल बताते हैं कि ओह अब तो भाई इसने तो लाखों रुपए खर्च किए होंगे इसने से बैग अपने आप अज्यूम कर लेते हो बिकॉज उस ब्रांड की एक अपनी गुडविल है एक रेपुटेशन है क्लास है राइट right? वो आप कर लेते हैं इट अश्योर्स दैट द कंज्यूमर अबाउट एस्टैब्लिश द क्वालिटी ऑफ अर प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी पता चल जाती है प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आप क्या करते हैं एडवर्टीज हो जाते हैं लोग इतने स्टेटस आते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टक्स को ही देख लो स्टाफक्स ने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया स्टाबक्स ने स्टार्ट किया एक टाइम पर ऐसा आया कि यार उनको कुछ इनोवेट करना था कुछ नया करना था एंड दे स्टार्टेड पुटिंग नेम वो एक नेम का कॉलम होता है जिसमें वो अपना नेम लिखवाते हैं कि कॉफी बिलोंग्स टू अपूर्वा एंड लोग फिर उसकी फोटो लेके क्लिक करते हैं कि देखो मेरे नाम की कॉफ़ी है ऐसे करते करते स्टाफ बक्स इतना फेमस हो गया कि आज एक्सपेंसिव कॉफी के लिए है, क्या है फेमस है और हम जब भी Starbucks जाएंगे तो जरूर एक फोटो तो पोस्ट करेंगे ये उनकी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी उनके लोगों को फेमस कर दिया उनकी हर एक चीज आजकल मोबाइल कवर्स आते हैं स्टारबक्स वाले कॉफी के टी शर्ट आती है स्टारबक्स कॉफी की इतना इतना हम लोगों ने मिलकर फेमस कर दिया फोटो डाल डाल के एडवर्टीजमेंट करके क्योंकि वही उसकी गुडविल उसकी रेपुटेशन बना रही है सेम विद नो ब्रांडिंग बट स्टिल फेमस एक्जैक्टली आई लव जूडियो सीरियसली आई लव जूडियो उसके कॉस्मेटिक्स उसके शूवेयर फुटवेयर आई जस्ट लव इट हाँ इतनी मार्केटिंग भी नहीं है बट स्टिल चल रहा है न तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोवाइड लीगल प्रोडक्शन टू योर ब्रांड आपके ब्रांड को लीगल प्रोडक्शन देता है इफ़ यू हैव आर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो एक आपके पास सिक्योरिटी तो है ही है ना

ये इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी ओके 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 हाँ जी ये इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कुछ एसेंशियल्स थे क्विकली बताना चाहूँगी ये क्या करते हैं आपके अपने आपके ब्रांड को दूसरे के ब्रांड से अलग बनाते हैं राइट अब फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक बात बताओ एक क्वेश्चन आया है एक ब्रांड है लैक्मी लैक्मी अब लैक्मी अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं आउट ऑफ द टेक्स्ट जाके लैकमी का मतलब ये था ये एक इंडियन ब्रांड है और लैक्मे का था ये लक्ष्मी एक्चुअल में ये लक्मी था लक्ष्मी जैसे हम लक्ष्मी जी होते हैं ना लक्ष्मी जी तो इसी को परपज से नाम रखा लैक्मे देखो सेम है ना लक्ष्मी जी की भाई हमारा ब्रांड इतना अच्छा हो भगवान के नाम पे रखा कि लक्ष्मी जी हो और उसको बहुत अच्छा करे मतलब जितना मुझे थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है तो लैकमी नाम रख दिया अब क्या अब आप अपना नेम ये रख सकते हो मान लो आपने भी अपना ब्रांड खोला तो मिलक लिख सकते हो आप मिलक रख सकते हो जल्दी बताइए तो कोई इन्वेंटेड वर्क होना चाहिए ऐसा नहीं कि सेम चीज़ कर दी नाम चेंज कर दी और सेम चीज है नो no. इन्वेंटिव होना चाहिए कुछ न्यू होना चाहिए कुछ न्यू होना चाहिए राइट right? उसके बाद बात करते हैं इफ अ ट्रेडमार्क इज अ वर्ड और अ नेम शुड बी इजी ट्रेडमार्क कैसा होना चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इजी होना चाहिए इजीली सब लोग उसको क्या कर सके प्रनाउंस कर सके जान सके रिमेंबर कर सके जैसे कि हम बात करते हैं जेनकार इजी है वगैरह वगैरह ठीक है इन केस ऑफ ऑफ अ डिवाइस डिवाइस मार्क द शुड बी इनकेसड बीबल सिंगल वर्ड जैसे कि हम बात करते हैं एच पी एच पी लिखा होता है तो समझ जाता है एच पी का लैपटॉप है या फिर हम लिखते हैं डेल छोटा सा वर्ड है समझ जाते हैं डेल के लैपटॉप्स है एप्पल एप्पल का सिर्फ साइन बनाए समझ जाते हैं कि ये एप्पल ब्रांड का है उसके बाद इसकी करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए ठीक है कि इसकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा बढ़े शॉर्ट होना चाहिए राइट और साथ ही साथ अपीलिंग होना चाहिए आइज़ आँखों को देखने में भी अच्छा लगे और सुनने में भी अच्छा लगे अगर आप इसका कोई गाली रख दोगे अब्यूज अब्यूज नेम रख दोगे ए सर हो गया है ना तो ये सारी चीज़ें क्या है ईजी होनी चाहिए और ये सारी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई करती हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए किसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए मैम टाटा ने स्टार्ट किया था कॉज इंडिया में कोई भी कस्मेटिक नहीं था ब्रिटिश यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही बिल्कुल सही चलिए आगे चलते हैं हम लोग किसके बारे में ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट के बारे में अगर कोई भी आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को क्या करता है इन्फ्रिंच करता है तोड़ता है द पर्सन जो भी क्या है कोई भी पर्सन जो कि ऑथोराइज नहीं है वो आपका ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकता द इनफ्रिंजिंग ट्रेडमार्क एज सिमिलर आइडेंटिकल डिसेप्टिव नहीं बना सकता जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके आसपास सेम सेम हल्का सा कलर चेंज कर दिया नहीं कंप्लीट डिफरेंट होना चाहिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में से ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है प्यूमा उस प्यूमा अब मैंने सेम डाल दिया और पोमा लिख दिया फर्स्ट कॉपी वैसे फर्स्ट कॉपी वगैरह कुछ मिलती है ऐसे आ, उनकी तो आप ये मेरे को रजिस्टर कराना नहीं होगा क्योंकि ये इससे रिजेंबल कर रहा है फॉन्ट भी नाम भी इंडिकेशन कलर्स जोग्राफिकल सेम तो ये नहीं होगा

ट्रेडमार्क का उनके किसी कमर्शियल एड के अंदर या फिर उनके किसी क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर बिल के अंदर इन के अंदर लिखा है तो माना जाएगा अगर आप ओरल यूज कर रहे हैं ओरल यूज़ ऑफ इन्फ्रिजमेंट कर रहे हैं तो ये इन्फ्रिजमेंट नहीं है मान लो एक मेरा ये ब्रांड है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये वॉलेट केस है इस वॉलेट केस पे कुछ भी नहीं लिखा और मैं लिखे मैं ये बेच रही हूँ कि ये तो नाइकी का है नाइकी का है कुछ नहीं लिखा ओरल मैं रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ तो वो वॉयलेशन में नहीं आएगा इट मस्ट बिन राइटिंग सम एविडेंट प्रूफ होना चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का राइट यूजिंग ऑफ ट्रेडमार्क में आएगा राइट right? उसके बाद सेक्शन ट्वेंटी थे पूरे एक्ट के वो मैंने आपको इस फाइल में दे दिए हैं ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी आप मुझे मैसेज कर देना पर यहाँ पर आप मुझे मैसेज करना ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है अब सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉमन फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट फॉर इंस्टेंस द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को एडवर्टीजमेंट करता है ऑफ अनदर फॉर प्रमोशन ऑफ अमाउंट्स टू इनफ्रिजमेंट फॉलोइंग रेमेडीज अवेलेबल टू ट्रेडमार्क अगेंस्ट द ओनर पहले क्या होगा पहले तो वो क्या करेगा सिविल केस डालेगा सिविल सूट डाल देगा कि भाई मेरे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंजमेंट किया है वॉयलेशन किया है और वो क्रिमिनल रेमेडीज के लिए भी जा सकता है ही कैन ऑल्सो गो फॉर दी क्रिमिनल रेमेडीज के लिए भी जा सकता है आगे चलते हैं क्या रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराना है ट्रेडमार्क का ठीक है तो in प्रोपराइटर वो कौन होगा हमेशा आईपीआर के लिए हमेशा कौन होगा प्रोपराइटर और ट्रेडमार्क के लिए कौन होगा प्रोपराइटर कॉपी के लिए कौन होगा ऑथर जो कॉपी जिसको मिलता है वो ऑथर होगा ये लिख लो कॉपीराइट के लिए क्या था फॉर कॉपी उसको हम बोलेंगे ऑथर फॉर ट्रेडमार्क राइटर एंड फॉर पेटेंट मैंने अभी पढ़ाया है जल्दी से लिख के बताओ पेटेंट के लिए क्या बोलेंगे उसके बाद उसके बाद वो क्या करेगा प्रोपोज बाय हिम यूज करेगा भाई ये मेरा है रजिस्टर करेगा एप्लीकेशन को फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास ऑफ इस ट्रेडमार्क और उसकी जो भी राइटिंग में लिखेगा और प्रेस्क्राइब फीस है जो ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने की वो भरेगा उसके बाद सिंगल एप्लीकेशन जाएगा ट्रेडमार्क के लिए डिफरेंट क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताएगा कौन सी क्लासेस में वो आ रहा है गुड्स की या सर्विसेज की में exactly, of में जाएगा, जाएगा, जाएगा उसकी टेरिटोरियल जो भी उसका होगी होगी वहां के में जाके प्रिंसिपल होगा पूरे इंडिया में या जहाँ पे एप्लीकेंट रहता होगा वहां जाके वो रजिस्ट्रेशन चला जाएगा ऑफिस में करवाने के लिए अपने क्लास बताएगा कि कौन से क्लास कैटेगरी से वो बिलोंग करता है राइट right? उसके बाद क्या होगा कि रिफ्यूजल एक्सेप्टेंस एंड विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस रजिस्ट्रार अगर उसको सही लगता है सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है तो एक्सेप्ट कर देगा नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा या जो भी उसको मिलेगी एंड द एप्लीकेशन में अमेंडमेंट्स मॉडिफिकेशन कंडीशंस और लिमिटेशन ये रजिस्ट्रार के ऊपर है कि उसने क्या बंदे ने सही से सारा कुछ किया है नहीं है फॉर्मेलिटीज ढंग से पूरी करी है या नहीं करी है एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस बट देयर फॉर रजिस्ट्रेशन डिस्कवर दैट द एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड ही मे विथड्रॉ द एक्सेप्टेंस तो ये भी हो सकता है If after but वो विदड्रॉ भी कर सकता है कि नहीं करवाना मुझे ठीक है एक्सेप्टेंस और रजिस्ट्रेशन से पहले एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रार क्या करेगा जब एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ अब ये कर रहेगा और हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के बाद वो क्या करेगा एडवर्टाइज करेगा प्रेस्क्राइब मैनर में सबसे पहले द एप्लीकेशन को एडवर्टाइज करेगा कहाँ द ट्रेडमार्क जनरल के अंदर ट्रेडमार्क जो जर्नल होती है वहाँ करेगा कि भाई नया ट्रेडमार्क आया है इसका रजिस्ट्रेशन ओके है और हम कर रहे हैं इसको क्या कर देगा पहले वहाँ पर ट्रेडमार्क जर्नल पर डाल देगा कि कोई अगर ऑब्जेक्शन है मान लो भाई उसने सेम किया है अब इतने ब्रांड्स हैं इतने हजारों लाखों ट्रेडमार्क्स हैं तो आइडेंटिफाई करना एक रजिस्ट्रार जो एक जोरिस्ट्रिक्शन में बैठा है मुश्किल है तो भाई वो ओपन छोड़ देगा कि अगर किसी को भी इस ट्रेडमार्क से ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर दे फिर इंटरेस्टेड पर्सन मान लो मैं हूँ मैं कहूँ अरे ये तो इसने मेरे जैसा बना लिया तो मैं वहाँ पर ऑब्जेक्शन अपने डाल सकती हूँ तो उसका वो रिजेक्ट भी हो सकता है फिर एंड द रजिस्ट्रार मे कॉज द एप्लीकेशन टू बी एडवर्टाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस इन दी सर्टन केसेस तो वो भी क्या कर सकता है ये कर सकता है ऑपोजिशन ऑपोजिशन क्या होगा मान लो अब मेरे को दिक्कत आई है मेरे को आई है दिक्कत एनी पर्सन वो चार महीने के अंदर जब एडवर्टीजमेंट निकाली है किसने रजिस्ट्रार ने, जब निकाली और अभी ये नहीं किया जाएगा तो वो दे सकता है एक नोटिस रिटर्न नोटिस दे सकता है उसके बाद द नोटिस ऑफ सच रजिस्ट्रेशन गिवन टू देयर आफ्टर एविडेंस एविडेंस किए जाएंगे दिखाओ दिखाओ क्या ऑब्जेक्शन है आपको दिखाओ क्या दिक्कत है कहाँ से ऑब्जेक्शन हुई है तो वो क्या करेगा वो एविडेंस मांगेगा जो मैंने आपको बताया और फिर पार्टीज को हियर करने के बाद रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि पेड़ वो देना है रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है कौन डिसाइड करेगा कौन डिसाइड करेगा रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि इसको पेटेंट देना है या फिर नहीं देना है फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन इफ़ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होगा और अपोज नहीं होगा ठीक है या अपोज होगा इन द फेवर रजिस्ट्रार मस्ट रजिस्टर द ट्रेडमार्क विद इन एटीन मंथ्स अठारह महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर कर देगा कि भाई रजिस्टर करना है या नहीं करना ठीक है कोई ऑब्जेक्शन है ये वो उसके बाद द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क 18 महीने लेकिन तब से मानी जाएगी डेट ऑफ मेकिंग द सेट एप्लीकेशन जब से उसने एप्लीकेशन दी है सारी चीजें सॉर्ट हो गई ठीक है मान लो आज उसने दो अक्टूबर को उसने वो दी और उसका फैसला हुआ तीन मार्च को कि हाँ ठीक है ट्रेडमार्क ठीक है और हम रजिस्टर कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन दो अक्टूबर से ही माना जाएगा जब से उसने एप्लीकेशन फाइल की थी उसके बाद ऑन रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार रजिस्ट्रारशल इशुट सर्टिफिकेट दे देगा दे उसको और बोलेगा कि भाई ये आपका रजिस्ट्रेशन और सील कर देगा विदिन और एक कॉपी रख लेगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क समझ में आई ये बात जल्दी बताइए समझ में आई बेनिफिट्स क्या है ट्रेडमार्क के कि अगर आप ट्रेडमार्क करा रहे हो अपने इनटेंजिबल एसेट के ऊपर तो वो आपके बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड कर देता है दैट विल ऐड वैल्यू टू योर बिजनेस है ना दैट विल ऐड आपकी वैल्यू हो जाएगी कि यार ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है इसका ओन ब्रांड है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसके साथ स्ट्रांग पोजिशन हो जाएगी आपकी मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रांग पोजिशन हो जाएगी कोई फेक uh, रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क एविडेंस ऑफ इट्स वैलिडिटी ट्रेडमार्क करा ही देना उसका रजिस्ट्रेशन करा देना आपकी ऑथेंटिसिटी आपकी वैलिडिटी की एक वो है सबूत है ना? Holder, उसके पास, right पास. पास एक्सक्लूसिव राइट होंगे तो वो रिलीफ ले सके रिलीफ को ऑप्टेन कर सके एंड ट्रेडमार्क कितने के लिए मिलता है दस साल के लिए और रिन्यू किया जा सकता है पेटेंट कितने समय के लिए मिला था बीस साल के लिए और ट्रेडमार्क कितने के लिए मिलेगा दस साल के लिए जिसको रिन्यू करवाना पड़ेगा एंड अ रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क टू ट्रांसफर वो अपने राइट को ट्रांसफर कर सकता है ट्रेडमार्क में, uh, में भी हो सकता है और वो उसकी रॉयल्टी ले सकता है उससे प्रॉफिट जो आ रहे हैं वो ले सकता है है ना ठीक है चले आगे चलते हैं उसके बाद टाइप ऑफ प्रोटेक्शन ये क्या है टू द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ये थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन के लिए डाल दिया कोई क्वेश्चन नहीं आता बट मैंने थोड़ा सा डाल दिया डिज़ाइन एक्चुअल में क्या है कि आपने क्या कर दिया है किसी ना किसी तरीके को वे बता दिया है आपने क्या बता दिया है कोई वे बता दिया है कोई डिज़ाइन ऐड कर दिया है सो द ओनर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रिजर्व द राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग मान लो मेरा ये तरीका है कोई काम को करने का वो तरीका ही चोरी कर लिया मैं जिस तरीके से बर्गर बनाती हूँ आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो वो रेसिपीज बनाते हैं मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही चोरी कर लिया आपने लो, मेरी मेरी स्पेशलिटी क्या रही तो उस चीज के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स द राइट टू प्रिवेंट अदर्स की सेम तरीके से मैन्युफैक्चर बेच ना सके और इंपोर्ट ना कर सके आर्टिकल्स को बेयरिंग और एम्ब्रॉयडिंग डिजाइन व्हिच अ कॉपी ऑफ सब्सटेंशियली सिमिलर टू द प्रोटेक्टेड डिजाइन जैसे कि हाउस होल्ड गुड्स हो गए लाइटिंग इक्विपमेंट्स हो गई ज्वेलरी हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए टेक्सटाइल्स हो गए तो अगर कोई डिजाइनिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग मेरा अगर वो तरीका है वो तरीका अगर किसी ने कॉपी कर लिया वो ज्वेलरी अब सेम क्या कर दिया हमने एक आईफोन जैसा सेम बना दिया फ़ोन तो वो डिज़ाइन कॉपी नहीं होना चाहिए तो वो अलग से डिजाइन में आ जाता है केवल इतना सा इसके बारे में हमें पढ़ना है आगे चलते हैं चलो एक लास्ट टॉपिक करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है इन तीनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं ठीक है चलिए तो नंबर वन अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो पेटेंट किसको दिया जाता है पेटेंट में भी ग्रांटेड टू एनी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेंशन की है किसी ने कोई नई चीज़ बनाई है नया प्रोडक्ट बनाया है इम्प्रूव किया है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या प्रोसेस बनाया है तो तीन चीज़ों पर या तो कुछ इनोवेट किया है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या किया डेवलप किया है उसको और अच्छा किया प्रोसेस नया बनाया है तीन चीजों को कॉपीराइट किस पे होता है ऑथर जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीजें होती हैं जो क्रिएटिव चीजें होती हैं उन पे होता है म्यूजिक पेंटिंग्स कल्चर कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा बेस एडवर्टीजमेंट मैप्स टेक्निकल ड्राइंग्स ट्रेडमार्क क्या होते हैं एक सिंबल होता है फेज होता है वर्ड होता है डिजाइन होता है आइडेंटिफाई करता है दूसरे प्रोडक्ट को और सर्विसेज को दूसरे प्रोडक्ट से ये होता है आपका ट्रेडमार्क

पूरी जिंदगी जब तक उसने की है और साठ साल उसकी डेथ के बाद तक का और इसको मिलेगा दस साल की वैलिडिटी राइट right? समझ आया आगे चलते हैं इनके राइट्स क्या क्या है इनका क्या है कि ये ये डिसाइड डिसाइड राइट कि इनकी इन्वेंशन को कौन राइट कर सकता है इनको कौन ऑथराइज कर सकता है कौन यूज कर सकता है लाइसेंसी असाइनमेंट ठीक है ये सब चीजें करेगा कभी ये सरेंडर करेगा कभी यह छोड़ देगा इन्फ्रिजमेंट के बारे में ये क्या बात करता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड अगर कोई भी कोई कॉपीराइट कराता है तो उसका वर्क जो भी यूज कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करेगा कि बिना अथॉरिटी के बिना लाइसेंस के उसको रिप्रोड्यूस ना करे ठीक है जैसे कि उसको उससे कोई इनकम ना कराए तो उसकी रॉयल्टी उसको देनी पड़ेगी ब्रॉडकास्टिंग उसको उसके राइट्स देने पड़ेंगे रेडियो के अंदर सैटेलाइट में चलाने के लिए किसी और लैंग्वेज में उसे डब करने के लिए ठीक है तो उसको क्या देने होंगे उसको राइट्स ट्रांसफर करने होंगे कि कोई और जब उसका यूज यहाँ पे लाइसेंसी असाइन ही नहीं थे यहाँ राइट्स देने पड़ेंगे और यहाँ पे एक्सक्लूसिव वो उसी का ही होता है केवल वो किसको करता है असाइन करता है कि आप मेरे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो अथॉरिटी देता है कौन ट्रेड वाला राइट लास्ट चलते हैं ये क्या होगा इसका रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा टेरिटोरियल राइट जहां पर भी उसका पेटेंट वो होगा बींग कंट्री कंट्री के अकॉर्डिंग पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग वो कहीं पे भी करा सकता है कॉपी राइट कहाँ कराएगा विदाउट नीड इसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती लेकिन सिस्टम ही ऐसा है कि वॉल्टी रजिस्टर द मोस्ट ऑफ द कंट्री राइट तो ऐसा कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं है लेकिन जहां जहाँ प्लेटफॉर्म्स पर कॉपी होता है तो वहीं पर वो उसको कॉपी करवा लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क ऑफिस में होगा और रजिस्ट्रार करेगा और रजिस्ट्रार उसको पूरा एक्सेप्ट करेगा तो ये चीजें समझ में आई सो so, ये कुछ हैं रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से मैं आपको ये फाइल पूरी भेज दूंगी तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप खुद से रीड कर सकते हैं समझ में आया और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी कॉपी और जैसे मैंने बोला था कि सिविल रेमिडीज़ भी हैं और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ भी हैं तो अगर बात करें सिविल की किसी भी केस में तो सिविल में आप इंजंक्शन ले सकते हैं स्टे लगवा सकते हैं डैमेजेस ले सकते हैं आप उसके बाद डिलीवरी uh, ले सकते हैं वापस ले सकते हैं जो भी आपकी इनफ्रिंजिंग uh, कॉपीज थी राइट right? लेकिन क्रिमिनल के अंदर आप क्या कर सकते हैं इफ एनीवन होल्डर कॉपी राइट होल्डर के क्या करता है राइट right को इन्फ्रिंज कर देता है ऑथर के उसको पनिशमेंट मिलेगी छः महीने की छः महीने से लेकर तीन साल तक की सजा फाइन हो सकता है पचास हजार से दो लाख की जगह ये आपको सेक्शन फिफ्टी थ्री ए ऑफ कॉपी राइट एक्ट के अंदर दिया हुआ है सिंपल ये थी आपकी रेमेडीज रिगार्डिंग टू एवरीथिंग सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर बता दिया है हाँ जी नहीं कोई कोई केस नहीं है कोई केस नहीं है कोई केस लॉ नहीं, नहीं आएगा सिंपल जो कराया है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो इतना ही आई में से आता है राइट अंटिल नल्लस की आप कोई स्पेशलिटी इसके अंदर नहीं कर रहे हो तो, तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अदरवाइज दिस इज ऑल सफिशेंट राइट ठीक है जी तो so uh, मैं आशा करती हूँ ये जो पूरा मैंने वन गो के अंदर आपको आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के व्यू और इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स उनको कवर कराया है तो अगर आपको ये सेशन